أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم Dear students, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you for joining us today for this important live discussion session on guidance on computer-based examinations of CFAP 2 Advanced Corporate Laws and CFAP 5 Tax Planning Practices. We are commencing our session with recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Jazakallah. Dear students, as you know, CFAP 2 Advanced Corporate Laws and CFAP 5 Tax Planning and Practices would be computer-based exam from winter 2023. Hence, to provide guidance on various aspects of these computer-based examinations, we have with us Sir Irfan Ghaziani, Senior Director Examinations, and Mr. Kashif Malik, Deputy Director Examinations. We are thankful to both of them who have spared their valuable time for us for this live discussion session. The format of this session would be that first, worthy guests would be sharing a presentation which will cover various aspects, including prominent features of exam software, use of soft copies of permissible books, and other important relevant aspects. Then we will have a question and answer session where you all can ask your relevant questions. Now, I would request Sir Irfan Ghaziani to please share his presentation. Please help me welcome Sir Irfan Ghaziani. Sir, over to you, sir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum, everyone. जैसे आप लोग जानते हैं कि basically हमने ये जो session arrange किया है, this is regarding for your guidance on computer-based examination. और उसके अलावा जब से हमने अनाउंसमेंट की है हमारे पास काफी क्वेरीज आई हैं, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन बुक एनवायरनमेंट के बारे में सवालात बहुत सारे आए हैं, तो उन तमाम सवालात के हम इंशाल्लाह इसके जवाब भी देंगे और इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो इंशाल्लाह उसको भी एड्रेस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. अच्छा जी, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के लिए अब थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपको थोड़ा सा प्रोवाइड कर दूं कि इनिशियली हमने स्टार्ट लिया था MSA 1 और MSA 2 से. तो ये दोनों पेपर हम इनिशियली दोनों हम करवा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इन दोनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट है कि ये बड़े स्मूथली एग्जाम्स हुए और नंबर टू उसमें एक बड़ा जो हमें स्टूडेंट जो पिछली दवा थे उनमें बहुत चैलेंजेस वो बड़े परेशान थे कि हमारा रिजल्ट खराब हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो वो रिजल्ट भी हमारा उसी लाइन में था जो नॉर्मली हमारे रेंज में आता था, इसमें कोई ऐसा कोई बड़ा फर्क भी नहीं था. और सिग्निफिकेंटली लोगों ने इसको जब बाद में एग्जाम दे लिया तो उन्होंने काफी अप्रिशिएट किया कि ये पेपर करने का तरीकेकार कंपेरेटिवली हमें ज्यादा ईजी लगा. लेकिन चूंकि एक नई चीज आती है तो एक लोग डिफिकल्टी फेस करते हैं और उसको मुश्किल समझ रहे होते हैं,
लेकिन इस बात को हमें अंडरस्टैंड करना होगा कि अब ये पूरी दुनिया इसी तरफ इसी डायरेक्शन में है, जो हमारा एग्जामिनेशन जो जो फ्यूचर एग्जामिनेशन है उसके साथ आपके डेटा एनालिटिक्स के टूल्स शामिल होते चले जाएंगे और वो तमाम चीजें इसके साथ लिंक्ड होती चली जाएंगी। रिजल्ट हम आप भी देखेंगे, जब से हमने जो टेक्नोलॉजी को यूज किया है इसके बाद से हम अप्रोक्सीमेटली 2 वीक्स रिजल्ट अर्ली अनाउंस करना शुरू कर दिया है, चाहे आप फाइनल के हों या हमारे कैफ के हों। तो ये तमाम चीजें उसी डायरेक्शन में ले जा रही हैं और जो मॉडर्न एग्जामिनेशन है उसके लिए ये एक नीड भी है और दूसरी ये उसके प्रोफेशनली भी अगर आप देखें तो जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे या आप कहीं इंटरनेशनली कहीं फर्म में काम कर रहे होंगे कहीं भी काम कर रहे होंगे तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गया है कि आप मैनुअल से बिल्कुल आपको अब ऐसा ऐसा दूर होता होना ही पड़ेगा। तो ये भी एक सफेद कड़ी है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं, चीजें इंप्रूव हो रही हैं। हमने MSA 1 और MSA 2 के बाद हमने फेज आउट किया, उसके बाद हम CFAB में हम ACL और टेक्स को हम इसको लेकर आ रहे हैं और उस हिस्से में जो भी क्वेरीज होंगी इंशाल्लाह उसको हम सॉल्व करेंगे और उसको सपोर्ट जो भी हमारी चाहिए होगी जिस तरह भी चाहिए होगी इंशाल्लाह हम स्टूडेंट को प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, ये रिमोट प्रॉक्टरिंग में तो हम पहले से एग्जाम करवा ही रहे थे, ये ICAP अब जो सेंटर बेस्ड एनवायरनमेंट में हम करवाएंगे, जो हमारा जो MSA 1 और MSA 2 में जिस तरह हमने एग्जाम करवाए थे सेम मॉडल को हम फॉलो करेंगे। उस मॉडल में यह है कि लैपटॉप अपने बच्चे लेकर आएंगे, इंटरनेट पावर और स्पेस हम प्रोवाइड करेंगे और वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस होंगी जहां पर एग्जाम्स होंगे और वहां पर ये आप अपना एग्जाम अटेंड करेंगे। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर 2023 में हमने स्टूडेंट की गाइडेंस के लिए ताकि वो प्रिपेयर हो सके उसके लिए एक मॉक एग्जाम का भी अरेंजमेंट किया है। उसकी एग्जैक्ट डेट हम आपको अर्ली अक्टूबर में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे क्योंकि उस वक्त तक हमारे पास जो बच्चे एग्जाम में बैठ रहे हैं उनकी जब फॉर्म्स वगैरह आ जाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा कितने बच्चे हैं, तो उसके मुताबिक फिर हम आपको डेट्स भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। अच्छा, इस जितनी हमारे पास क्वेरीज जैसे मैंने आपसे कहा ना, तो मेजर जो मेरा अटेंशन होगा इस पूरी प्रेजेंटेशन में जो आप लोगों की क्वेरीज आई हैं, बहुत सारी क्वेरीज जो तकरीबन एक जैसी ही थी लेकिन वो जो जो भी हैं उन सबको हमने कंबाइन कर लिया है और उनमें बेसिकली उनको 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है कि पहला तो ये है कि वो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर और उससे रेलिवेंट चीजें कि उसे किस तरह इफेक्टिवली यूज किया जाए, उससे रेलिवेंट कुछ क्वेरीज थी। हमारे पास जो जो क्या कहते हैं जो सीबी अनाउंसमेंट के बाद जो एक जो हमारे पास जो दूसरी क्वेरीज आई थी वो थी कि हम जो ओपन बुक में किताबें जो ऑनलाइन इस्तेमाल करेंगे उसमें क्या इश्यूज फेस करने पड़ेंगे और उससे रेलिवेंट उन्होंने काफी क्वेश्चंस किए थे तो उसको हम जवाब दे रहे होंगे। और तीसरा कुछ हमें रिमोट प्रॉक्टरिंग से रेलिवेंट भी कुछ क्वेरीज आई हुई हैं तो वो हम उसको भी आंसर कर रहे होंगे। अगर हम बेनिफिट वैसे अगर सीबीई पर आए ना तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज जो उसमें है कि वो आप लोगों के पास ये कि आप लोगों को जो कहते हैं जो पेपर जो हैं वो आपको रीराइटिंग नहीं करनी पड़ती है, उसमें आपको स्पेल चेक की फैसिलिटी अवेलेबल होती है और इस तरह की बहुत ही चीजें अवेलेबल होती हैं जिसकी बेसिस पे जो आपकी जो स्पेशली वो बच्चे जिनको प्रेजेंटेशन के बाद इश्यूज होते थे वो तमाम चीजें रिजॉल्व हो जाते हैं। और इन्हीं कुछ लोगों ने हमें जो ये इशू रेज किया कि हमें ज़्यादा टाइम लगता है तो इसके लिए हमने 30 मिनट एडिशनल टाइम भी आपको प्रोवाइड किया है, 15 मिनट एडिशनल टाइम है जो नॉर्मल टाइम से भी ज्यादा है और उसके अलावा 15 मिनट जो रीडिंग टाइम जिसमें अलाउ नहीं हो पर आपको लिखना अलाउ नहीं होता था अब उसमें लिखना भी अलाउ है, तो टोटल 30 मिनट का आपको राइटिंग टाइम में भी इजाफा किया गया है। तो वो है जो थोड़ा सा जो स्पीड के जो इश्यूज हैं वो इनिशियली इस लेवल पे वो रिजॉल्व हो जाएंगे। तीसरा जो कंप्यूटर बेस की वजह से हमें जो एडवांटेज ये हुआ कि हमारी तो आपको पता है कि बहुत ज्यादा फाइनल लेवल के स्टूडेंट्स जो हैं वो मुल्क से बाहर होते हैं, इससे पहले हम सिर्फ रियाद और जो जिद्दा
और दुबई में एग्जाम करवाते थे, लेकिन रिमोट प्रॉक्टरिंग के आने के बाद आप कोई बाउंड्री नहीं है, लोग यूएस से भी एग्जाम दे रहे हैं, यूके से भी दे रहे हैं, इवन हमारे पास यूरोपियन कंट्री से भी बहुत ज्यादा हमारे पास तो डेटा आ रहा होता है कि वो वहां से एग्जाम दे रहे हैं। तो ये जो बाउंड्री थी ना, वो लिमिट वो बिल्कुल खत्म हो गई है। जो हमारा एक हमने ऑब्जेक्टिव पे था 2016 में हमने स्टार्ट किया था कि हम तमाम चीजों से जो पेपर राइटिंग और उससे सब खत्म करते चले जाएंगे, ये भी हमारा एक स्टेप है जिससे हम ग्रीन एग्जामिनेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। इस वक्त हमारा इनिशियली हमारा प्लान ये था कि हम इसके साथ पेपर प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन लोगों के स्टूडेंट की डिफिकल्टीज देखते हुए हम एग्जामिनेशन पेपर्स अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑल्दो कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान नहीं है, लेकिन जब तक लोग सेटल हो जाएं और उसमें अंडरस्टैंड कर लें तब तक हम प्रोवाइड करेंगे। हमने पिछले सेशन में प्रोवाइड किया था और फिर हमने दोबारा इवेल्युएट किया, इस सेशन में भी हम आपको पेपर्स एग्जामिनेशन पेपर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये है, लेकिन ये हमारा लॉन्गर प्लान नहीं है। हर सेशन में हम उसको विजिट करेंगे और रिविजिट करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे ताकि ये जो पेपर प्रिंटिंग वाला जो एलिमेंट है इसको भी हम इसको खत्म कर सकें। अच्छा, सीबी गाइडेंस के लिए बेसिकली अगर आप जो हमने टूल्स रखे हुए हैं, हम अगर हमारी वेबसाइट पे चले जाएं तो आपको लैपटॉप के स्पेसिफिकेशन का लेकर आना है, एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, एग्जाम सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट डॉक्यूमेंट मौजूद है, प्रैक्टिस टेस्ट किस तरह रन करना है उसका एक डॉक्यूमेंट मौजूद है। ये तमाम चीज हमारी वेबसाइट पे मौजूद है। इस पर कोई कंफ्यूजन हो आपको तो आप एग्जामिनेशन को ईमेल करके आप इस पर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आपको कोई भी आपको एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट आपको हेल्प करेगा कि कोई अगर कोई इश्यू हो रहा है तो। इसके अलावा एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पर बनाई हुई है, वो अगर आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह आपने इस सॉफ्टवेयर को चलाना है, किस तरह हेल्प कर सकती है। इसके अलावा मुख्तलिफ प्रैक्टिस टेस्ट भी रखे गए हैं कि अगर आप एग्जामिनेशन एनवायरनमेंट में काम करना चाहते हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है। ये सारे टूल्स हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं और उसमें सबसे में कोई भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप examinations@icap.org.pk पे लिख सकते हैं और वो वहां से आप चीजें आपको हेल्प कर देंगे वो लोग। जो क्वेरीज आपकी आई हैं हम तो बेसिकली हमने 3 हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। एक तो फॉर्मेट ऑफ द बुक्स के बारे में पूछा है कि बेयरर किस तरह के होंगे और उसके बारे में काफी सवाल आते हैं तो उनको एड्रेस करेंगे। दूसरा, एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर से रेलिवेंट क्वेश्चन हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। और तीसरा, रिमोट प्रॉक्टरिंग से रेलिवेंट क्वेरीज हैं उसको हम एड्रेस कर रहे होंगे। हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आया कि ये लोगों ने हमसे सवाल ये किया था कि बेरेक्स जो होंगे वो किस फॉर्मेट में अवेलेबल होंगे, तो वो ये तमाम के तमाम जो बेरेक्स होंगे हमने मुख्तलिफ पब्लिशर से बात की है और उन पब्लिशर के जो है जो बेरेक्स हैं वो अवेलेबल होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे और वो किसी भी वेब ब्राउजर जो आपके पास जो डिफॉल्ट वेब ब्राउजर होगा उसमें ये ओपन हो जाएंगे। तो ये पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे और उसके अंदर वेब ब्राउजर में खुल जाएंगे। दूसरा, जो बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन आया था, क्या इसमें सर्च फैसिलिटी अवेलेबल होगी? यस, सर्च फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आप सर्च कर सकते फाइंड कर सकते हैं और उसकी बेसिस पे जो अपने रेलिवेंट वर्ड्स और उसकी चीजों की जरूरत होगी तो वो उसको आप सर्च करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको तेजी से उस पर एक्सेस भी हासिल हो जाएगा आपको। एक जो और कॉमन सवाल आया, क्या जो डिजिटल कॉपीज होंगी इनको हाईलाइट कर सकते हैं? तो हाईलाइटिंग तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो चूंकि ऑनलाइन कॉपी है तो ऑनलाइन कॉपी सेव नहीं कर रहा होता तो वो हाईलाइटिंग तो अवेलेबल नहीं की जा सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता। लेकिन जो ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट जो है वो फाइंड के फंक्शन के जरिए वो आसानी से अपने कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं और ढूंढ भी सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी क्या कि जब हाईलाइटिंग जब अवेलेबल नहीं होगी तो क्या हम इजीली हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेंगे? देखिए, एक बड़ी सिंपल सी बात है कि दुनिया में अब अगर आज से 20 साल पहले देखें तो लोग हार्ड कॉपी से पढ़ते थे, वो आप प्रोफेशनल लाइफ में भी जाएं तो भी आप जब देखें तो अपने एक्ट्स और तमाम चीजें आप प्रोफेशनली आपको जो हार्ड कॉपीज में देकर पढ़ रहे होते थे। लेकिन अभी बहुत ज्यादा कन्वर्जन हो चुका है इसका कि वो डिजिटल फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, डिजिटल फॉर्मेट में आप रीड कर रहे होते हैं। इवन दुनिया के इंस्टीट्यूट तो आप ये कर रहे हैं कि जो ओपन बुक पॉलिसी है उस ओपन बुक पॉलिसी में से वो बुक्स अलाउ करते हैं जो ऑनलाइन परचेज की हुई होती हैं
जो उनके अपने इंस्टीट्यूट से परचेज की हुई होती हैं, और उन्हीं बुक्स को अवेलेबल कर देते हैं फॉर द एज ए लाइसेंस कॉपी टू दी स्टूडेंट ड्यूरिंग द एग्जाम, और बाकी कोई भी मटेरियल अलाउ नहीं करते। तो ये सब डिजिटली ही सब चीजें चल रही होती हैं, और इसमें एडवांटेज ये है कि जब आप सर्च करते हैं तो नंबर ऑफ अकरेंस कितनी मौजूद हैं वो भी आपको पता चल जाती हैं, और आपको आसानी से ईच अकर के दरमियान किस तरह आपको सिम मूव करना है वो बहुत इजीली अवेलेबल किया जा सकता है। तो मतलब डिजिटल कॉपीज को यूज करना कोई बहुत ज्यादा साइंस नहीं है, और आज की टेक्नोलॉजी के दौर में जहाँ आप लोगों की तो माशाल्लाह जो नॉलेज जो आप जनरेशन है उनकी जो नॉलेज है उसके लिए तो ये बिल्कुल भी बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि जब हमने ये सेकंड फेजेस से पहले हमने ई मार्किंग इम्प्लीमेंट करवाई थी, जब हमने सॉफ्टवेयर यूज किया था, तो हमसे पहले ICW ने जब इस्तेमाल किया था तो उन्होंने 2011 में किया था, हमने 2017 में किया। तो जो उन्होंने जब हमसे डिस्कशन कर रहे थे कि आपने जो इम्प्लीमेंट किया है तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, तो उन्होंने कहा 30% के करीब हमारे एग्जामिनर्स ने हमें छोड़ दिया था कि वो मार्किंग नहीं कर पाए। मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि हमने जब इम्प्लीमेंट किया था हमें इस तरह का कोई इशू फेस नहीं करना पड़ा, और हमारे 100% लोगों ने एज पर जो जो हमारे साथ काम कर रहे थे वो तमाम के तमाम ने इजिली लर्न कर लिया। सिमिलरली जब हमने MSA 1 और MSA 2 में किया तो हमारे पास बड़ी क्वेरीज थी कि ये बच्चे नहीं कर पाएंगे और रिजल्ट बड़ा डिक्लाइन हो जाएगा और बच्चे बिल्कुल मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों ने भी बड़ा जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई, और उन्होंने जो रिजल्ट वाइज भी हमारे यहाँ अगर हम पिछले 5 सेशन का एवरेज रिजल्ट देखें तो उससे इम्प्रूव रिजल्ट था वो, और वो एक बड़ी अच्छी इंडिकेशन थी कि वो उनके लिए ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो इस टेक्नोलॉजी तक खौफजदा भी नहीं है और बहुत अच्छी तरह उसको हैंडल करते हैं। तो और आज जब हम हर चीज टेक्नोलॉजिकली देख रहे हैं कर रहे हैं तो ये इन कॉपीज हार्ड कॉपीज को हैंडल करना इज अ वेरी सिंपल थिंग आई बिलीव। अच्छा एक क्वेश्चन ये आया कि आर द डिजिटल कॉपीज ऑफ वेरियस कैटेगराइज इनटू सेपरेट सेक्शन ऑफ एरियाज सच एज द कंपनीज एक्ट NBFC। देखें ये हम आपको जो हार्ड कॉपी एग्जाम में जो अवेलेबल करेंगे ना वो मुख्तलिफ पब्लिशर्स की कॉपीज होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे सलाम का पढ़ रहा है, कोई पैक पब्लिशर का पढ़ रहा है, कोई उजैमा इकराम का पढ़ रहा है, तो जिनका भी पढ़ रहे हैं ना, तो जो उनकी हार्ड कॉपीज है ना ऐसे ही एग्जैक्टली सॉफ्ट कॉपीज होंगी, और उसमें आप बस सॉफ्ट कॉपीज अवेलेबल होंगी कि उसमें आप सर्च कर लें और आप अपने रेलिवेंट कर लें। उसमें अगर इंडेक्स मौजूद है तो आपको इंडेक्स अवेलेबल हो जाएगा उसमें, और उसमें जिस तरह भी चैप्टर बने हुए हैं वैसे ही उसमें मौजूद होंगे, कोई हम उसमें एडिशनल कोई काम नहीं होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा इसमें एक और क्वेश्चन भी आ गया, उसके अंदर हाइपरलिंक अवेलेबल कर दिए जाएंगे, तो हाइपरलिंक उसके साथ अवेलेबल नहीं होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और भी आया था कि जो डिजिटल कॉपीज होंगी क्या उसके अंदर कंप्लीट बेर एक्ट मौजूद होंगे या सिर्फ रेलिवेंट एक्ट्स और लॉस अवेलेबल होंगे। तो इसमें एक बड़ी जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो ये है कि अगर वो पब्लिशर जिसकी हम बुक्स आपको पब्लिशर पब्लिश करेंगे और जो अवेलेबल करेंगे उसके अंदर अगर वो कंप्लीट एक्ट रखे हुए हैं तो वो कंप्लीट एक्ट अवेलेबल होंगे, और अगर पब्लिशर ने सिर्फ और सिर्फ ICAP के गाइडेंस की स्टूडेंट के गाइडेंस के लिए रेलिवेंट पोर्शन ही वो सिर्फ रखा हुआ है तो वो ही अवेलेबल होंगे। मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे सलाम पब्लिशर ने इनकम टैक्स में इनकम टैक्स सेल टैक्स एक्साइज के पूरे पूरे एक्ट रखे हुए हैं, तो वो जब हम आपको किताब वहां अवेलेबल करेंगे तो तीनों चीजें मौजूद होंगी। लेकिन जब हम उसकी बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट लॉस की तो कॉर्पोरेट लॉस के अंदर उसे जैसे फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटीज एक्ट के रेलिवेंट पोर्शन ही सिर्फ रखे हुए हैं तो वहां सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हम उस किताब में कोई चेंज नहीं कर रहे होंगे, एग्जैक्टली वही किताब आपके लिए अवेलेबल रख रहे होंगे। एक क्वेरी हमारे पास ये आई थी कि ICAP ने अनाउंस किया था कि 16 अक्टूबर 2023 से बेर एक्ट अवेलेबल होंगे, अब स्टूडेंट को फेमिलराइज होने में उसको वो मौका नहीं मिलेगा, बहुत देर हो जाएगी, और इस तरह के हमारे पास क्वेरी रह जाएगी कि उनको एक्सेस नहीं मिलेगा, तो इस दौरान हम वो क्या करें। तो इसमें जो एक इम्पोर्टेंट जो चीज है ना कि हमने अपने पब्लिशर से बात की थी, उससे हमने डिस्कशन किया है, तो ऐसे सलाम पब्लिशर ने हमें अलाउ कर दिया है, तो हम कल से आपको जो है वो किताब जो कॉर्पोरेट लॉस की और इनकम टैक्स की ऐसे सलाम पब्लिशर की अवेलेबल कर देंगे। जो भी लोग जो हमसे रजिस्ट्रेशन करवाई है जिन्होंने इस सेमिनार के लिए, उन तमाम को हमारी तरफ से ईमेल आएगी,
और उस ईमेल के तहत वो उसको वो एक्सेस कर सकेंगे और उसे फैमिलराइज होना चाहें, बिल्कुल वैसे ही होगा। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्जाम के दौरान एग्जाम में होगा ये कि ये सॉफ्टवेयर के अंदर एक लिंक अवेलेबल होगा, उस लिंक को आप क्लिक करेंगे और बिल्कुल वैसे ही आपको व्यू नजर आ जाएगा जैसे अभी आप जो अभी हम आपको ईमेल के जरिए लिंक प्रोवाइड करेंगे वैसे ही प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो हम जो बेरेक्स हैं वो कल से अवेलेबल कर रहे हैं, दूसरे पब्लिशर से भी हमारी बातचीत चल रही है, अगर उन्होंने भी हमें अलाउ कर दिया तो उनकी कॉपीज भी अवेलेबल होंगी। तो आप जिस पब्लिशर की कॉपी यूज करना चाहें वो आपकी मर्जी है, आप इस्तेमाल कर लें, ऐसे सलाम करना चाहते हैं, या जैसे पैक पब्लिशर ने हमें ऑलरेडी इजाजत दी हुई है वो 16 अक्टूबर से वो अवेलेबल करेंगे तो वो 16 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगी। तो इस तरह है कि वो हम कल से जो पब्लिशर हमसे एग्री कर चुके हैं उनकी कॉपी आपके लिए अवेलेबल कर रहे हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये आया था क्या कि इस एग्जाम में हम डिजिटल और फिजिकल कॉपी दोनों को अवेलेबल कर सकते हैं, तो वो फिजिकल कॉपी अलाउ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल कॉपीज ही आपको अवेलेबल होंगी और उसी पर आप इम्तिहान लेंगे। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन ये आया कि हम किस तरह इसको अफेक्टिवली यूटिलाइज करें डिजिटल फॉर्मेट ऑफ बेरेक को फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन ताकि हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। अच्छा, इसका हमारा बिल्कुल सिंपल आंसर है, आप एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर पर अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आज के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि गाइडेंस से वीडियो आप यूज करें, उसको प्रैक्टिस करें, उसमें जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऐसे मौजूद हैं उसको यूज करें, उससे आपको एग्जाम सॉफ्टवेयर की आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपको ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको पार नहीं हो जाएगा। नंबर टू, जो डिजिटल कॉपीज हम परमिशनल बुक्स की अलाउ कर रहे हैं उससे अपनी फैमिलियरिटी क्रिएट कर लें, उसमें थोड़ा प्रैक्टिस कर लें कि वो किस तरह है। इट्स वेरी सिंपल, जो पीडीएफ फाइल्स हैं इसमें आपको मुश्किल नहीं होगी, लेकिन वंस आप ये होता है कि एक दो क्वेश्चन या तीन क्वेश्चन आप सॉल्व करके देखें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मुझे कितनी दफा उसमें जाने की जरूरत है। जो नॉर्मली जब आप एक पर्टिकुलर सेक्शन या दो तीन सेक्शन जो इन्वॉल्व है तो रेलिवेंट सेक्शन पहुंच जाएंगे तो आपके सामने खुला होगा, आप आसानी से कर सकते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन आपको अपने आप को उससे फेमिलराइज जरूर करना चाहिए बिफोर एग्जामिनेशन। तीसरी चीज, आप जैसे मैंने आपसे कहा कि एग्जाम सॉफ्टवेयर में प्रैक्टिस करें, हमने एक प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल कर दी है, क्या हुआ है दो टेस्ट और भी हम अवेलेबल कर देंगे बाय 26 सितंबर। तो एक अवेलेबल है कॉर्पोरेट लॉ और टैक्सेशन के, मजीद दो टेस्ट हम अवेलेबल कर देंगे तो आप प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी और वो मजीद आप प्रैक्टिस कर सकेंगे। नंबर फोर्थ, हमने मॉक एग्जामिनेशन प्लान किया हुआ है एंड ऑफ अक्टूबर जो मैंने इनिशियली भी बताया था, तो उसमें जरूर पार्टिसिपेट करें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या इश्यूज हैं कोई, ताकि आपको वह फिक्स करने में आसानी हो जाए और अगर आपके कुछ कमी है तो आप प्रैक्टिस टेस्ट के जरिए पूरी कम कर सकें। अच्छा, एक तो ये होगा मुख्तलिफ इंडेक्सिंग स्टाइल होता है, पब्लिकेशन वेरियस तो डिफरेंट होते हैं, तो हम इसे किस तरह बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हमने तो आपसे जैसे मैंने आपसे कहा ना कि तमाम पब्लिशर मुख्तलिफ जो भी हैं उन सबने बात की भी है, जो जो हमें अवेलेबल करते जाएंगे हम वो कॉपीज रख देंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कल ऐसे सलाम पब्लिशर तो करें, 16 अक्टूबर से हम पैक पब्लिशर की किताब भी कॉर्पोरेट लॉस की अवेलेबल कर देंगे। तो जब ये किताबें अवेलेबल हो जाएंगी तो आपके पास एक प्रैक्टिस के लिए एक सफिशियंट टाइम होगा एग्जाम से पहले, आप उसको देख लें और अपने आप को फेमिलराइज कर दें उनके फॉर्मेट से कि मुझे किस तरह वहां तक पहुंचना है। आई बिलीव कि वो आपके लिए बहुत ही कोई डिफिकल्ट चीज नहीं होगा, आप आसानी से वहां पहुंच जाएंगे, तो वो एक बार आप अपने को फेमिलराइज करने की दे रहे हैं उसके बाद ये आपके लिए बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। एक क्वेश्चन हमसे ये किया गया कि जो बेरेक्स में क्या जो हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं उनको आंसर एरिया में, तो ये मुमकिन नहीं है कि फेयरनेस नहीं है, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है वो एक्सटर्नल डेटा अलाउ ही नहीं करता कि बाहर से अंदर लाया जाए, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता और वो मुमकिन नहीं है। सही है। हाँ, जो कॉपीज आप इंटरनल स्प्रेडशीट या उसमें आपने आंसर एरिया में क्या इंटरनली आगे पीछे की जा सकती है, मगर ये स्पेशली जो टैक्स के लोग हैं टैक्स में जो काम कर रहे होंगे उनको बड़ा हेल्प करेगा कि वो अगर टैक्स के नीचे प्रैक्टिस करने के लिए कोई टैक्स का कंपटीशन नीचे कर लें और तो ऊपर ले जाए तो वो कॉपी पे जरूर हो सकता है, लेकिन जो बेरेक्स हैं वहां से बाहर अंदर कॉपी करना चाहें तो वो मुमकिन नहीं है।
एक और क्वेरी जो हमसे जो कई स्टूडेंट ने की कि हम एग्जाम के हॉल के दौरान दो स्क्रीन्स लेकर आ जाएं, एक में हम बेरेक्स देखेंगे और दूसरे में जो है ना एग्जामिनेशन पेपर हम कर रहे होंगे, तो इस तरह की फैसिलिटीज अलाउ नहीं की जा सकती, क्योंकि बंदा एक ही जगह से लॉग इन करेगा, दो जगह से लॉग इन अलाउ नहीं कर सकते और दूसरा स्क्रीन से अलाउ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई बंदा माउस लाना चाहता है या उसको लैपटॉप के कीबोर्ड से मुश्किल होती है और वो एक्सटर्नल कीबोर्ड लाना चाहता है तो उसकी इजाजत है, वो कर सकता है। अच्छा, मैं इससे पहले कि एग्जाम सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ूं, मैं इससे पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ा सा एक डेमो करवा देते हैं कि ये जो कम होते हैं जो बुक्स होंगी वो तो किस तरह अभी आपको ईमेल्स पर रिसीव होंगी और किस तरह आपको एक्सेस हो हासिल हो जाएगा, तो उस सिलसिले में मैं अपनी जो टेक्निकल टीम है उसको हवाले कर रहा हूँ, ओवर टू काशिफ मलिक, वो आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे इसमें कि किस तरह आपने उसको यूज करना है, आपको किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू इरफान सर। आईकेप के स्टूडेंट्स की जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस हमारे पास मौजूद है, स्पीकर बंद कर लिया, तो उन रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेसेस के ऊपर आप लोगों को ईमेल रिसीव होगी। जैसे इरफान साहब ने कहा कि जो लोग इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, वेबिनार को, उन्हें कल ईमेल रिसीव हो जाएगी, और जो जो स्टूडेंट फाइनल के फॉर्म अपने जमा कर रहे हैं फॉर दीज टू पेपर्स, उन्हें ग्रेजुअली ये ईमेल रिसीव होती चली जाएंगी। तो ये आपके मेल बॉक्स में एक ईमेल आएगी जिसके अंदर एक यूनिक लिंक होगा फॉर एवरी स्टूडेंट। ओके, ये यूनिक लिंक होगा हर स्टूडेंट के लिए इसमें मौजूद। जस्ट अ मिनट प्लीज। उस यूनिक लिंक को यूज करते हुए आप किताब को एक्सेस कर सकेंगे। बुक को डाउनलोड नहीं करना है आपने, और बाय डिफॉल्ट इसकी डाउनलोड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगी हुई है। चूंकि बुक्स थोड़ी ज्यादा पेजेस की हैं, तो जब आप फर्स्ट टाइम किताब खोलें तो उसको लोड होने का थोड़ा टाइम दें, ताकि अगर आपने उसमें कोई सर्च करनी है तो वो प्रॉपर सर्च हो सके। सर्च करने के लिए आप अगर कंट्रोल एफ करेंगे तो वो आपको ब्राउजर की सर्च की तरफ ले जाएगा, लेकिन उसके बजाय आप अगर अपने माउस को इसके ऊपर लेकर आए स्क्रीन पे, तो आपको यहाँ पे नीचे एक सर्च का ऑप्शन नजर आएगा। इस सर्च के ऑप्शन को यूज करते हुए यहाँ पे आप जो भी वर्ड डाल के सर्च करेंगे तो दैट विल रिटर्न के आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। अब उसके अंदर थोड़ी सी एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, आपकी स्क्रीन नजर नहीं है? हाँ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। ये नजर नहीं है आपका, सिर्फ वो कवर है, ये नजर आ रहा ओके, एक है। मिनट दीजिए तो मैं जरा अपनी स्क्रीन को दोबारा से शेयर करवा दूँ। मैं थोड़ा सा पीछे से दोबारा शुरू करता हूँ। स्क्रीन आई होप कि अब नजर आनी शुरू हो गई होगी, जो जी इररिलेवेंट स्क्रीन नजर आ रही थी, दैट स्क्रीन वॉज ये जो ईमेल आपको आएगी उसके अंदर लिंक मौजूद होगा। उस लिंक को क्लिक करने के बाद जो शेयर्ड बुक्स होंगी वो अवेलेबल हो जाएगी, और यहाँ पे जब आपने सर्च करना है तो ऑन स्क्रीन बॉटम साइड के ऊपर आपके पास सर्च का ऑप्शन आ रहा होगा। वहां पे आपने जो सभी वर्ड या आपने टेक्स्ट को सर्च करना है आप डालें, और दैट दैट वुड बी सर्चेबल। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने अभी बिल्डर्स लिखा है, इसकी 8 अपेयरेंस आ रही है, तो
इसी सर्च को 10 हो गई। तो इसके अंदर आपने जैसे फ्रॉम वन सर्च टू सेकंड सर्च जाना है, इसको आप एरो के जरिए से आगे पीछे जा सकते हैं। ये 24 सर्च हो गई, बढ़ रही है क्योंकि राइट से बात है मुख्य पेजेस काफी सारे हैं। लेकिन आपको सर्च करते हुए इस चीज का ख्याल रखना होगा कि अगर आपको अपनी सर्च को थोड़ा कंसाइज रखना है, तो आप बजाय इसके कि एक सिंगल वर्ड के, आपको अंदाजा होगा स्टूडेंट जाहिर सी बात है तैयारी कर रहा है कि उसको क्या चीज सर्च करनी है, तो वो अगर थोड़ी सी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन फर्दर डाले तो हो सकता है कि उसकी सर्च, और वो नहीं सर बल्कि डेफिनेटली होगा कि उसकी सर्च रिड्यूस हो जाएगी। यानी अगर मैं बिल्डर्स के बजाय बिल्डर्स एंड डेवलपर को मुझे सर्च करना है वो मैं करूं, तो वो सिर्फ दो या हो सकता है उससे काफी कम सर्च हो। इस तरीके से आप अपने सर्च को रिड्यूस भी कर सकते हैं और मीनिंगफुली जो है आप अपनी डिजायर्ड इन्फॉर्मेशन को पहुंच सकते हैं। अगेन जैसे इरफान साहब ने कहा कि ऑल यू नीड टू डू इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो जब आप अपने प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे होंगे उसके अंदर जब आप इस तरह की सर्च की प्रैक्टिस करेंगे, तो इट विल हेल्प यू कि आपने रियल टाइम एग्जाम के दौरान में किस तरह इस टूल को इफेक्टिवली यूज करना है। तो ये आपका रीडेबल है लेकिन सर्चेबल कॉपी है, डाउनलोड इस पे ब्लॉक हुआ हुआ है। फर्दर ये कि इसको डाउनलोड किसी टूल के जरिए करने को भी आईकैप बिल्कुल डिस्करेज कर रहा है क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो कॉपीराइट है। आई होप कि ये आपको क्लियरिफाई कर दिया है इसमें हमने कि किस तरीके से आप सर्च कर सकते हैं। बाकी कल से आपको अवेलेबल होगा तो यू कैन हैंड्स ऑन इट, और उसमें अगर किसी को भी दिक्कत आए तो यू कैन ऑलवेज सेंड एन ईमेल टू अस ऑन examinations@icap.org.pk। थैंक यू इरफान, ओवर टू यू अगेन। जी, हमने जो बुक से रेलेवेंट जितनी क्वेरीज थी हमने उसको डिस्कस कर लिया है। आप कुछ एग्जामिनेशन सॉफ्टवेयर से रेलेवेंट क्वेरीज हैं तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, एक हमारे पास क्वेरी आई थी कि एग्जाम कुछ लोगों को शायद वो उनको या गाइडेंस वीडियो के बारे में सवालात कर रहे थे और बेरेट से रेलेवेंट उनको सॉफ्टवेयर की जरूरत थी। तो गाइडेंस वीडियो तो हमने ऑलरेडी, हमने जैसे आपको बताया कि वो अवेलेबल है, जब चाहे वो यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है। हाँ, जहां तक बात है कि इस बेरेट्स को यूज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर, तो उसकी आई थिंक जरूरत नहीं है और गाइडेंस वीडियो की। वो बिल्कुल सादा सा है और बहुत सिंपल सा वे है, जैसे अभी काशिफ ने आपको डेमो भी करवा के दिखाया। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो एग्जामिनेशन इज ऑलवेज अवेलेबल टू गाइड यू। ठीक है, अच्छा, इसमें एक जो हमारे पास काफी क्वेरीज आई हैं, जो स्पेशली जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं और जो पीआरसी के, जिनके दिमाग में है पीआरसी और एसी एग्जाम दे कर आए हैं कंप्यूटर बेस में, कि उनका व्यू ये था, क्या क्या फ्लैगिंग की जा सकती है कि वो क्या मूव टू अदर, आप अदर क्वेश्चन पे चले जाएं और फिर वापस यहाँ पर आए। तो डेफिनेटली से फ्लैगिंग पॉसिबल है। मैं अपनी दोबारा टेक्निकल टीम को कह देता हूँ, आपको थोड़ा सा डेमो करवा देंगे कि किस तरह उसको फ्लैगिंग की जा सकती है। काशिफ, ओवर टू यू। थैंक यू। जैसे अभी आपको सॉफ्टवेयर की स्क्रीन नजर आ रही है, इसमें इस वक्त क्वेश्चन नंबर 1A नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हो सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन हो सकता है जिसके अंदर स्टूडेंट काम कर रहा हो। इन द मिडल ऑफ द क्वेश्चन इफ द स्टूडेंट थिंक्स कि उसको जो है दूसरे क्वेश्चन में मूव करना है और यहाँ पर रिवर्ट बैक होना है लेटर ऑन, तो ये ऊपर की साइड पे जहाँ ओवरव्यू लिखा हुआ है बार के अंदर, तो वहां से जाके आप फ्लैग कर सकते हैं, ऑप्शन मौजूद है। फ्लैग करेंगे तो यहाँ पे फ्लैग का निशान आ जाएगा और ये ओवरव्यू के अंदर से आपने जितने क्वेश्चन फ्लैग किए होंगे वो आपको विजिबल भी होंगे। जैसे आपका क्वेश्चन 1 आपने फ्लैग कर दिया है, नाउ यू कैन मूव ऑन टू एनी क्वेश्चन 2, 3, 4। फॉर एग्जाम्पल अभी हम क्वेश्चन 3 पे चले जाते हैं और क्वेश्चन 3 के अंदर काम करके अगर हमें दोबारा आना है या याद करना है कि हमें कौन से क्वेश्चन को हमने फ्लैग किया था, तो वी कैन अगेन सी इन द ओवरव्यू कि विच क्वेश्चन वी हैव फ्लैग और हम दोबारा से उस फ्लैग पे जा सकेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इस वक्त नजर आ रहा है काम कर रहे थे लेकिन ओवरव्यू को खोल के देखा तो वहां पे क्वेश्चन 1 फ्लैग हुआ हुआ है। तो यू कैन फ्लैग एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन। लोगों को नजर नहीं आया।
मेरे को आ रही है। जी ओके जी आपने अभी लोडिंग कर पाया, बिल्कुल जाएगी। वो थोड़ा वॉइस और लोडिंग के अंदर कहीं कहीं पर फर्क हो रहा होगा, तो मैं थोड़ा सा इसको दोबारा रिपीट कर देता हूं कि आप किसी भी क्वेश्चन को फ्लैग कर सकते हैं, एनी नंबर ऑफ क्वेश्चन इन द पेपर फ्लैग किए जा सकते हैं। फ्लैग करने के लिए कि जहां पे ऊपर सीआरएन आ रहा होता है उधर ऑप्शन मौजूद है, वहां से आप फ्लैग करेंगे। और अगर आप किसी अनफ्लैग क्वेश्चन पे काम कर रहे हैं और आपने ये देखना है कि कितने क्वेश्चंस आपने फ्लैग कर रखे हैं, तो उसके लिए आपको ओवरव्यू को क्लिक करना होगा और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस भी आपने फ्लैग करके रखे हुए होंगे वो नजर आ रहे होंगे। अपने फ्लैग क्वेश्चन पे दोबारा जाने के लिए आपने सिर्फ उसको क्लिक करना है और इट सॉफ्टवेयर विल टेक यू बैक टू दैट क्वेश्चन। उस क्वेश्चन पे जाके आप दोबारा काम कर सकते हैं। वो क्वेश्चन तब तक फ्लैग रहेगा जब तक आप उसको अनफ्लैग नहीं कर देते। अनफ्लैग करने का तरीकाकार वही है जैसे आपने फ्लैग किया था, दोबारा वही क्लिक करना होगा, वो अनफ्लैग हो जाएगा। फर्ज कर लीजिए कि कोई स्टूडेंट 3 क्वेश्चंस को फ्लैग करता है और उसका एग्जाम करते करते टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो फ्लैग क्वेश्चन ही सबमिट हो जाते हैं, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। जितना उसका आंसर लिखा हुआ है वो तमाम का तमाम सेव्ड है और क्वेश्चन के फ्लैग या अनफ्लैग स्टेटस से उसके जो जितना भी उसने काम किया है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जितना काम किया है वो तमाम का तमाम आगे सबमिट हो जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। आई होप इट क्लेरिफाइज। थैंक यू। बैक टू फन। अच्छा जी, अच्छा, एक क्वेश्चन जो बड़ा जो 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 लोग उन्होंने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है, उनकी तरफ सवाल आया था कि क्या जो हम कोई डेटा हमारा क्या आंसर एरिया में सेव होता रहेगा स्प्रेडशीट में, और एग्जाम नहीं, अगर एक्सीडेंटली आपका ब्राउजर बंद कर दे तो फिर क्या होगा, या अपना एग्जाम एंड कर दे तो क्या होगा। इसमें पहली बात यह है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो ऑटोमेटिकली हर मिनट पे वो सेव करता रहेगा, और आप जो वो एक तो एक तरीके का ये है कि हर एवरी मिनट वो सेव करता रहेगा। दूसरा तरीका ये है कि जब आप स्क्रॉल करते हैं एक बार नेक्स्ट और बैक की तरफ, तो वो भी ऑटोमेटिकली आपके क्वेश्चंस को सेव कर देता है। तो सेव तो कंटिन्यूस चलता रहता है, आपका डेटा उसमें मौजूद रहता है। इन केस अगर आप से जो नेक्स्ट ईयर को नहीं करते, तो मैक्सिमम जो आपका लॉस्ट हो सकता है किसी वजह से भी, अगर कोई ऐसी चीज होती है, तो लेस देन 1 मिनट है। ठीक है, एक बात ही हो गई। अच्छा, अगर आप एक्सीडेंटली इसे क्लोज कर देते हैं और आपका टाइम बाकी है, तो आप दोबारा रिकनेक्ट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ जो जो ऑटोमेटिकली सेव इससे पहले जितना भी जो लास्ट सेव हुआ होगा वहां तक चीजें मौजूद होंगी। मैंने आपसे कहा था मैक्सिमम जो लॉस हो सकता है वो लेस देन 1 मिनट है, तो उस तक अगर कोई चीज, अगर आपने क्लोज कर दिया ब्राउजर और ऑटोमेटिकली सेव में अगर 50 सेकेंड्स हुए थे या 35 सेकेंड्स होते, उस वक्त तक का आपका डेटा लॉस होगा, बाकी तमाम का तमाम डेटा मौजूद रहेगा, कोई इश्यू नहीं होगा। अच्छा, अगर आपको एग्जाम एंड करना है तो उसके बेहतरीन तरीके लॉग ऑफ के थ्रू करें, लास्ट पेज मौजूद होगा उस पर आप जाकर उसके जब चाहें लॉग ऑफ कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। अरे, ये एक बड़ा जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो लोग कंप्यूटर पर एग्जाम देना चाह रहे हैं, ये स्पेशली रिमोट प्रॉक्टरिंग वालों के लिए बड़ा क्रिटिकल है कि हॉरिजॉन्टल बॉर्ड जो है ना विजिबल नहीं होती क्वेश्चन एरिया में, क्या उसको ऐड कर सकते हैं। तो वो बेसिकली वहां मौजूद, आप जिस तरह भी चाहें बार को यूज कर सकते, चाहे हॉरिजॉन्टल करें या वर्टिकल करें, बाय डिफॉल्ट जो है ना वो वर्टिकल होती है। हॉरिजॉन्टल करने के लिए आपको मैं जैसे उसका जो प्रोसेस है वो मैं अपनी टेक्निकल टीम को कह देता हूँ, वो आपको गाइड कर देंगे। स्पेशली जो रिमोट प्रॉक्टिंग के जरिए एग्जाम दे रहे हैं वो इस चीज को बहुत क्रिटिकली देख लें, क्योंकि उनको इस चीज की काफी जरूरत महसूस हो सकती है। ओवर टू काशिफ। थैंक यू। अच्छा, बाय डिफॉल्ट इसमें एक स्क्रॉल बार नजर आ रही होती है क्वेश्चन एरिया के अंदर, एंड दैट इज द वर्टिकल स्क्रॉल बार। जैसे अभी आपने स्क्रीन पे देखा कि थोड़ा सा स्लाइड किया हमने आंसर एरिया को, तो हमें ये वर्टिकल स्क्रॉल बार नजर आना शुरू हुई। पहले नजर नहीं आ रही थी, ये ओवरलैप हुए हुए होते हैं बेसिकली क्वेश्चन एरिया और आंसर एरिया।
तो वंस यू ड्रैग अ लिटिल द आंसर एरिया, तो ये आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार नजर आना शुरू हो जाएगी। इसको आपने हॉरिजॉन्टल में देखना है तो ये टॉप राइट कॉर्नर के ऊपर एक टूल्स का ऑप्शन है, जिसको जब आप क्लिक करेंगे तो यहां से यू कैन इंटरचेंज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बार, इंटरचेंज कर सकते हैं आप उसके दरमियान में। ये आपको ऑप्शन नजर आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, और ये अगर अभी आपको ठीक से नजर नहीं भी आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप इस चीज को प्रैक्टिस में जाके खुद से करें हैंड्स ऑन। इसकी हम रिकॉर्डिंग भी अपलोड करवा देंगे वेबिनार की, तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगी तो आप दोबारा देख सकेंगे और प्रैक्टिस करके देखिएगा। तो यहाँ से जैसे अभी हमने किया तो अब आपको जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है वो भी नजर आ रही है और वर्टिकल भी नजर आ रही है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर दोनों तरफ मूव किया जा सकता है, क्वेश्चन की विजिबिलिटी बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर आपको क्वेश्चन को ज्यादा बड़े विंडो के अंदर देखना है तो यू कैन ओपन दिस क्वेश्चन इन अ सेपरेट टैब एज वेल। उसके लिए ये जो आपको लेफ्ट साइड के ऊपर जो नजर आ रहा है जो में नेल बाइट नजर आ रहा है छोटा, तो उसके जरिए से अगर आप क्लिक करें और वहां पे जाके आप कंट्रोल राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करें तो राइट क्लिक करने से आपको जो है इसको लिंक को न्यू टैब में खोलने के लिए ऑप्शन मिल जाता है। अब न्यू टैब के अंदर आप क्वेश्चन के जो व्यू है बिल्कुल आप इनलार्ज करके देख सकते हैं, और यहाँ पे वापस आके आप अपने आंसर एरिया को भी इनलार्ज कर सकते हैं। तो अगर आपको दो अलग टैब के अंदर आप कन्वीनियंट है काम करना तो आप एक टैब में क्वेश्चन खोल सकते हैं और एक टैब में आंसर कर सकते हैं। हियर यू सी के दूसरे टैब के अंदर ये क्वेश्चन खुल गया है, और अगर आपको इन बिटवीन द टैब मूव करना है, मिसाल के तौर पे आपने एक से ज्यादा टैब ओपन कर लिए हैं, दो क्वेश्चन खोल लिए हैं या तीन क्वेश्चन खोल लिए हैं, तो इन बिटवीन द टैब मूव करने के लिए एक तो आप क्लिक ऑन द टैब के जरिए से मूव कर सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि आप कंट्रोल टैब के जरिए भी इन बिटवीन द टैब्स मूव कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन इनेबल द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार एंड यू कैन ओपन द क्वेश्चन इन अ सेपरेट टैब। थैंक यू। अच्छा एक क्वेश्चन हमारे पास ये कंट्रोल आता रहा कि क्या स्पेल चेक, ऑटो कैपिटलाइजेशन, ऑटो करेक्ट और स्ट्राइक थ्रू ऑप्शंस अवेलेबल होंगे सॉफ्टवेयर में। देखिए स्पेल चेक ऑप्शन हमने पहले ऑफ किया हुआ था, लास्ट टाइम हमारे स्टूडेंट की डिमांड पे हमने इसको ऑन कर दिया था, तो वो तो अब कंटिन्यूस अवेलेबल है और बच्चे अपने स्पेलिंग एरर्स वगैरह उसके जरिए सही कर सकते हैं, तो वो चीजें मौजूद होंगी। जहां तक स्ट्राइक थ्रू ऑटो करेक्ट फीचर, ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू सॉफ्टवेयर, ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ऑटोमेटिक कैपिटलाइजेशन, और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं आपको मैं कि ये चीजें जरूर अवेलेबल नहीं है लेकिन इसके नंबर भी नहीं होते हमने, मतलब अगर आप ऑटो कैपिटलाइजेशन और इस तरह की चीज मिस हो जाती है या कोई नहीं होता तो वो चीजें उसके नंबर भी नहीं होते, तो वो जो नॉर्मल आप जो थे पेपर में लिखते हैं करते हैं बिल्कुल उसी तरह लिखना होगा। स्पेल चेक आपका सही हो जाएगा, आपके करेक्शन हो जाएगी, बाकी इन ऑटो करेक्शन कुछ भी नहीं होती। ठीक है, एक क्वेश्चन ये आया कि कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स अवेलेबल होंगे स्प्रेडशीट में आंसर एरिया में। पहली बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं थोड़ी क्लैरिफाई कर दूं कि इसमें जो आंसर एरिया, जो रिच टेक्स्ट एरिया है और स्प्रेडशीट जो अवेलेबल है ना, वो बेसिकली कोई एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड नहीं है, ना ही वो एडवांस लेवल सपोर्ट शॉर्टकट्स को सपोर्ट करते हैं। However, हमने उससे रेलिवेंट जो जितने भी उसमें यूज हो सकते हैं ना, वो आईकैप की वेबसाइट पे हमने FAQ सेशन में लिख दिए हैं, आप उसमें जाकर देख सकते हैं, उसमें तमाम पूरी लिस्ट मौजूद है कि कौन कौन से शॉर्टकट चल सकते हैं और कौन से शॉर्टकट्स नहीं चल सकते। अच्छा, इसकी फंक्शनैलिटी को करने और अंडरस्टैंड करने के लिए अब हम हमेशा रिकमेंड ये करते हैं कि आप डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो आईकैप की वेबसाइट पर जरूर देखें, और जो सॉफ्टवेयर गाइडेंस डॉक्यूमेंट है जिसमें तमाम के तमाम शॉर्टकट शॉर्टलिस्ट जितने भी फंक्शन करते हैं उसकी लिस्ट मौजूद है, और उसके बाद इसको प्रैक्टिस टेस्ट के दौरान हम इम्प्लीमेंट करके देखें। तो ये आपको जितने भी कॉमनली जो शॉर्टकट्स है ना वो आपको याद भी हो जाएंगे और अंदाजा भी होगा कि एग्जाम में किस तरह चलना है। ठीक है,
एक और जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या F2 की जो मकसद ये होता है कि स्पेशली जो टैक्स में जो एडवांस टैक्सेशन और उसमें जो स्प्रेडशीट यूज कर रहे होंगे उनका क्वेश्चन ये था कि क्या F2 की काम करेगी। आपको पता होगा कि जब हम एक्सेल में काम करते हैं तो F2 की से हम एडिट करते हैं। अच्छा, एडिट करने F2 की तो उसमें डेफिनेटली फंक्शन नहीं करती है, फंक्शन की कोई भी काम नहीं करती। लेकिन उसका बहुत सिंपल तरीका है कि वो जो जो भी पर्टिकुलर सेल है उसका अगर डबल क्लिक करेंगे तो एडिटिंग मोड में आ जाता है, आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि फॉर्मूला बार में आप जाकर क्लिक कर दें, वहां जाकर चेंज कर लें, तो दोनों एडिटिंग मोड मौजूद हैं। हाँ, फंक्शन की कोई काम नहीं करती उसके अंदर। ठीक है, अरे जितनी स्प्रेडशीट की जो मैं बता रहा हूँ ये नॉर्मली हमें जो जो टेक्स्ट में बचे हैं जो कर रहे हैं उनकी तरफ क्वेरीज हैं। कॉर्पोरेट लॉ में शायद टेक्स्ट स्प्रेडशीट का फंक्शन बहुत ही मिनिमल हो, शायद एक आध क्वेश्चन में हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं होता नॉर्मली। लेकिन जो जो टैक्स का हम जो बात कर रहे होते हैं तो उसमें सेल टैक्स की कंपटीशन भी होती है, इनकम टैक्स की भी होती है। इनकम टैक्स में दो तीन कंपटीशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो उसमें वो स्प्रेडशीट को यूज कर सकते हैं। तो उनकी तरफ से काफी क्वेरीज भी आ रही है कि अगर हम किसी एक सेल की फॉर्मेटिंग उठाकर ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, वो किस तरह होगा, उसकी क्या हमें दोबारा फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। देखें, ये बिल्कुल जैसे वर्ड और एक्सेल में आप करते हैं एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आप एक्सेल से कोई सेल कॉपी करके लाते हैं तो वर्ड में एज ए टेबल आ जाता है। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप चाहे मल्टीपल सेल्स लेके जाएं या सिंगल सेल्स लेके जाएं वो टेबल की शेप में ही आएगा। अगर आपको टेबल के शेप में लेकर नहीं जाना तो आप जो सेल है उसको एडिट मोड में उसमें से कॉपी कर लें और उसमें आप पेस्ट कर दें तो वो बिल्कुल टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा और इस तरह आपको कहते हैं फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ये है कि जो स्प्रेडशीट है उसको एज ए पार्ट ऑफ आंसर हम कर लें तो हमें ना जो स्प्रेडशीट को उसकी उसी का पार्ट बना दें। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें जो मार्किंग होगी वो आंसर एरिया की बेसिस पे होगी। स्प्रेडशीट वाला फंक्शन जो भी आपने लिखा है वो रफ वर्किंग फीट होगा, उसकी बेसिस पे मार्किंग फीट नहीं होगी। इस पर हम काम करवा रहे हैं और होपफुली के इस वक्त तो एस्टिमेटेड टाइम नहीं जा सकता, लेकिन हो सकता है कि ओवर द पीरियड जो ये सॉफ्टवेयर है उसमें जो स्प्रेडशीट एरिया है उसको भी आंसर का पार्ट बना लिया जाए। लेकिन इस वक्त आपको जो भी आपने स्प्रेडशीट में काम किया है उसको आपको कॉपी करके अपने आंसर एरिया में पेस्ट करना पड़ेगा ताकि उसमें दाखिल करें। उसमें अगर आपको थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग ही चेंज हो सकती है आपको करनी पड़े, लेकिन यह है कि आपको पेस्ट करना जरूरी है, अदरवाइज आप मार्क्स नहीं ले सकेंगे। एग्जैक्टली वो सेम क्वेश्चन है कि क्या हम इसको कॉपी पेस्ट का होते हैं करेंगे तो क्या फॉर्मेटिंग का डिफरेंस नहीं आएगा। तो फॉर्मेटिंग के डिफरेंस तो मैंने आपसे कहा ना कि वो आएगा, उसके लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है। वंस आप प्रैक्टिस कर लें तो आपको इश्यू नहीं हो जाएगा। इसे ये कि एफिशिएंट किस तरह रिजॉल्व किया जा सकता है, इसे एक छोटा सा हम डेमो दे देते हैं आपको। मैं अपनी टेक्निकल टीम में हूँ, आपको थोड़ा सा डेमो दे देगी कि किस तरह आप इसमें टाइम सेविंग अप्रोच के जरिए ये सब चीजें कर सकते हैं। तो मैं अपनी टेक्निकल टीम दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा गाइड कर देंगे कि इसको किस तरह एफिशिएंट वे में किया जा सकता है। ओवर टू पास्टर्स। थैंक यू। नाउ यू कैन सी द स्क्रीन, क्वेश्चन पेपर और आंसर एरिया आपको नजर आ रहा है। यहाँ नीचे स्प्रेडशीट एरिया के अंदर कुछ डेटा मौजूद है जिसको कॉपी करके इस ऊपर लेके जाएंगे आंसर एरिया के अंदर। आंसर एरिया से मुराद वो एरिया है जहाँ पे आपको व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग एक एडिटर नजर आ रहा है। दिस इज अवर आंसर एरिया। यहाँ पे जो भी कुछ आप लोग लिखेंगे दैट विल बी असेस्ड एंड मार्क्ड। स्प्रेडशीट एरिया जो आपको दिया गया है एज इरफान साहब टोल्ड कि वो आपको रफ वर्क के लिए या ईज इन कैलकुलेशन के लिए दिया गया है। तो नाउ वी विल कॉपी दैट डेटा और इसको हम ऊपर पेस्ट करेंगे ले जाके। तो इंटरनल सॉफ्टवेयर के अंदर कॉपी पेस्ट का फंक्शन काम करेगा। अब जैसे आपने देखा कि हमने एक बड़ी सिलेक्शन ली थी, तो इसको जब हमने पेस्ट किया तो सेल का साइज भी रिड्यूस हो गया है और बहुत आपको टेक्स्ट भी जो है सप्रेस नजर आ रहा है।
तो तो एक चीज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो आप सजेशन कर रहे हैं उसको ये देखें करें कि जितना आपको नीड है उतना आप कॉपी करें, ताकि अपने शरीर जो आपकी कॉलम जो है वो क्रिएट हो रही है वो क्रिएट होगी आपके एक्सरसाइज को सप्रेस ना। और अगर सिचुएशन अराइज हो गई है तो फिर आप या तो बैक करके आप उसको बड़ा कर सकते हैं, जो आपकी आपकी कॉलम जो है उसको आप डिलीट कर सकते हैं। उसको डिलीट करने के लिए जैसे मेन्यू आपके पास नीचे भी अवेलेबल हो जाएगा, ऊपर की जो आपकी बार है उसको भी नजर आ रहा होगा, तो आप उसको या इजाफी जो कॉलम्स हैं उनको आराम से डिलीट कर सकते वॉइस क्लियर हैं। नहीं, मैसेज ही आ रहा है। आप म्यूट कर इसका स्पीकर बंद कर। मैं रिपीट करता हूँ, बीच में थोड़ा सा डिस्टॉर्शन हो रही थी आवाज के अंदर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। आई जस्ट एक्सप्लेन कि अगर आप जब डेटा को कॉपी करें तो उसमें इस चीज का ख्याल रखें कि अगर कोई एडिशनल कॉलम्स और रोज हैं उसको अवॉइड करें कॉपी करने से। जितनी ज्यादा रोज और कॉलम का डेटा हम ऊपर लेके जाएंगे उतना सप्रेस होके आएगा। इफ एट ऑल अगर हमें सप्रेस आ गया है तो उसके दो तरीके हैं कि जो आपके जरूरी कॉलम है उनको आप ब्रैक करके उसकी जो विड्थ है या लेंथ है उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं हाइट को। और अगर कोई गैर जरूरी कॉलम्स आपके पास आ गए हैं तो उनको आप जैसे इस टेबल के नीचे आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं उसके जरिए आप डिलीट कर सकते हैं। और यही आपको ऑप्शन जो हैं ऊपर भी नजर आएंगे, ये जो आपका आंसर एरिया है तो इसमें रोज को इंसर्ट कराया जा सकता है, कॉलम को इंसर्ट कराया जा सकता है, डिलीट करवाया जा सकता है इन ऑप्शन को यूज करते हुए। अगेन जो बात इरफान साहब ने कही मैं उसको सेकेंड करूंगा कि इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी होगी। आप लोग अपने प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए ज्यादा से ज्यादा इस तरह का अगर आपको लगता है कि कुछ सवाल ऐसे हैं ग्रिड एरिया के जिसमें टेबल की कैलकुलेशन कॉपी पेस्ट की आपको नीड होगी तो आप इसकी प्रैक्टिस करें कि हाउ क्विकली यू कैन फॉर्मेट द डेटा आफ्टर पेस्टिंग इट इनटू द आंसर एरिया। तो डेटा लॉस कुछ भी नहीं होगा, इस बात को जहन में रखिए। आपका फॉर्मेट बिगड़ेगा और उसको अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये रोज की हाइट और विड्थ को आप एडजस्ट कर लेंगे। अदर थिंग जो कि थोड़ी देर पहले फास साहब ने कही कि इसके अंदर आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि डेटा एक्यूरेट आ रहा हो, अगर उसके अंदर वो उसकी अलाइनमेंट लेफ्ट आ रही है या राइट आ रही है तो इट डजेंट मैटर। आपका डेटा अगर आपने सही लिखा है, आंसर आपका सही है तो यू विल बी गेट फुल मार्क्स। थैंक यू। जैसे मैंने आपको ये बोला कि अगर आप कोई सिंगल सेल से कॉपी करेंगे तो वो आपका आंसर एरिया में कैसे नजर आएगा, जो मैंने अपने पिछले आंसर में भी कहा था कि आप सिंगल सेल कॉपी करें या मल्टीपल सेल्स कॉपी करें वो आपको टेबल के शेप में ही नजर आएगा। अगर आप उसको अवॉइड करना चाहते हैं कि टेबल नजर ना आए तो एडिटिंग मोड में आ जाए, यानी डबल क्लिक कर लें और डेटा को कॉपी करें और पेस्ट कर दें तो वो सिर्फ और सिर्फ फिर आपको टेक्स्ट ही नजर आएगा। अच्छा, कुछ क्वेरीज हमारे पास जो रिमोट प्रॉक्सिंग से रेलेवेंट मजीद भी आई हुई हैं तो मैं जरा उनको भी थोड़ा एड्रेस करना चाहूंगा। एक क्वेश्चन ये आया था कि क्या रिमोट प्रॉक्सिंग में जो लोग एग्जाम दे रहे होंगे क्या उनको हार्ड कॉपीज प्रोवाइड की जाएंगी, तो उनको हार्ड कॉपीज और एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर की अवेलेबल नहीं होंगी, वो उनको सॉफ्टवेयर के थ्रू ही नजर आएंगी और उसी से वो एग्जाम दे रहे होंगे। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि दुनिया के हर कोने में जाकर कॉपीज को आंसर को क्वेश्चन पेपर को वहां अवेलेबल किया जा सके। अच्छा, जो लोग रिमोट प्रॉक्टिंग के जरिए एग्जाम दे रहे हैं तो क्या उनको बेरेक्स की सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी अलाउ होंगी, उनको भी अलाउ नहीं होंगी, उनको भी ही स्क्रीन के जरिए ही अवेलेबल होंगी और वहीं से करना होगा उनको। अच्छा, एक जो क्वेश्चन जो उनकी तरफ से आ रहा है कि उनके पास हमारे पास स्क्रीन की साइज बहुत छोटी हो जाती है और उसको नेविगेशन करना मुश्किल हो जाता है, अगर 80% दफा वो अगर उसको टेक्स्ट साइज कर लें तो साइड बार मस्ट बी यूज फॉर मूविंग साइडवेज, कि वो नेविगेशन किस तरह को एफिशिएंट किया जा सकता है, जो अपेंडिसेस होते हैं उनको किस तरह यूज किया जा सकता है बेहतर तरीके से। तो उसमें जो हमारा व्यू ये है कि एक जो बिल्कुल आप जिस तरह नॉर्मली आप के जिस तरह नेविगेट करते हैं एमएस ऑफिस एप्लीकेशन में, बिल्कुल एग्जैक्टली उसमें भी यही कर सकते हैं।
अपेंडिक्स इज मेंशन इन द क्वेश्चन कैन नॉट बी हाइपरलिंक टू द डायरेक्ट अपेंडिक्स, मतलब वो जो हाइपरलिंक वाली, जैसे हमने पहले भी कहा था कि हाइपरलिंक पॉसिबल नहीं है। हाँ, हम आपको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं इस सिस्टम में कि किस तरह इसको एफिशिएंटली यूज किया जा सकता है। तो उस सिस्टम में मैं अपनी टेक्निकल टीम आपको एक थोड़ी थोड़ा छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दे देती है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। जो रिमोट प्रॉक्टरिंग वाले लोग हैं, उनको कोई इस तरह का कोई और डिफिकल्टी हो तो हमें डेफिनेटली लिख के दे सकते हैं, तो हमारी टीम उसको उनके साथ सेपरेट सेशन भी कर सकती है। थैंक यू काशिप, ओवर टू यू। थैंक यू। अब जैसे इस सिनेरियो के अंदर अगर आपको विद इन द क्वेश्चन मूव करना है, तो उस क्वेश्चन पे आने के लिए आप क्वेश्चन पे क्लिक करें। उस क्वेश्चन पे क्लिक करें आप, और न्यू टैब में भी खोल सकते हैं जैसे कि हमने पहले बताया था, और वहां पे आप उस क्वेश्चन को इजीली स्क्रॉल के जरिए कर सकते हैं। और वंस यू क्लिक ऑन इट, तो आप उसको जो है अप और डाउन कर सकते हैं। न्यू टैब पर जैसे आपको पहले ही बताया था कि अगर आप जो थंबनेल व्यू है उसके ऊपर माउस को रख के राइट क्लिक करेंगे, तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन ए न्यू टैब। और न्यू टैब में अगर आप खोल लेंगे तो आपके पास क्वेश्चन पेपर का व्यू इनलार्ज हो जाएगा। आप अपनी विजिबिलिटी जिसमें आपको बेहतर लगे उस तरह से आप उसको उतना जूम करके देख सकते हैं। और लाइक वाइज जैसे आपका जब यहाँ पे क्वेश्चन एरिया बढ़ गया, तो आप दूसरे टैब के अंदर अपना आंसर एरिया को एनहांस कर सकते हैं। तो ये आपको अगेन वही वाली बात है कि जितना ज्यादा आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, द मोर यू विल बी यू विल लर्न और यू विल बी एबल टू डू एफिशिएंटली इन द लाइव एग्जाम। थैंक यू, बैक टू फन। इनायत, हमारे पास जितनी क्वेरीज थी हमने सबको यहाँ एड्रेस कर दिया है जो हमारे स्टूडेंट्स आई थी। मजीद अगर स्टूडेंट के कोई क्वेश्चन हो तो वो फिर रेज कर सकते हैं, तो फिर हम उसको रिस्पॉन्ड करते रहेंगे। ठीक है जी सर, आपका सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर इरफान गाजियानी एंड मिस्टर काशिफ मलिक फॉर योर इनलाइटनिंग प्रेजेंटेशन। वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ ग्राउंड एंड नाउ इट्स टाइम टू एड्रेस स्टूडेंट्स क्वेश्चन। वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बट द फ्लोर इज नाउ ऑफिशियली ओपन। इफ यू हैव एनी क्वेरी और यू वॉन्ट टू सीक फर्दर क्लैरिफिकेशन, प्लीज राइट योर क्वेश्चन इन क्वेश्चन एंड आंसर चैट बॉक्स एंड यू विल गेट योर आंसर इंशाल्लाह। सर जो क्वेश्चन हमारे पास सर आ चुके हैं सर, मैं वो आपसे सर उस पर गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ। सर ये स्क्रीन अगर हम इसको स्टॉप शेयरिंग कर दें सर। अच्छा जी सर, पहला क्वेश्चन है अबाउट वारिस हुसैन साहब ने भेजा था कि जो फाइंड ऑप्शन है क्या ये टेक्स्ट के जो कोरिजेंडम्स हैं उसमें भी अवेलेबल होगी या नहीं होगी। क्वेश्चन आप ये कह रहे हैं कि वो टेक्स्ट की जो फाइल्स होंगे इसमें अवेलेबल होगा नहीं हो, ये कह रहे हैं? जी सर जी, उसे पूरी अवेलेबल है, पूरी फाइल के अंदर वो टेक्स्ट सर्चिंग के फाइंड की जा सकती है। जो उसके पार्ट्स और जो उसके सब पार्ट्स होंगे पूरी जी जो जी वो पीडीएफ पूरी उसमें। कंप्लीट फाइल है ना, वो जो किताब है उसको तो नहीं पता कि ये कौन सा है, एक्ट है या ये शेड्यूल है, वो कंप्लीट में अवेलेबल होगी। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि जो मॉक एग्जाम प्लान की आई कैप ने उनकी जो डेट्स हैं वो एक दफा स्टूडेंट्स कहते रिपीट कर दें। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि रिमोट प्रॉक्टिंग में मॉक देना पॉसिबल होगा। रिमोट प्रॉक्टरिंग में मॉक अवेलेबल नहीं होगा, कोई सेंट्रल बेस एनवायरनमेंट में ही होगा। ठीक है सर।
और जो सर डेट्स हैं रेलेवेंट रजिस्ट्रेशन के लिए, मॉक्स के लिए कोई अलग से डेट्स हैं, या यही जो स्टूडेंट जिन्होंने अप्लाई वो किया? डेट हम बच्चों को जो है ना अपने थ्रू अपने सोशल मीडिया चैनल बता देंगे कि वो कौन सी डेट्स हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम चूंकि हमारे पास हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का आइडिया नहीं है कितने हैं, क्योंकि वो अभी फॉर्म की डेट चल रही है, 24 तक लास्ट डेट है, तो प्रॉब्ली हम 11 अक्टूबर तक हम डेट अनाउंस कर रहे होंगे। तो जो फर्स्ट नॉर्मल फीस के साथ लास्ट डेट है ना वो 10th या 11th अक्टूबर है, तो उस वक्त तक लोग जमा करवा देंगे, तो हम उसके साथ शेयर कर लेंगे बच्चों के साथ, और उसके बाद उसको अलाउ कर देंगे। ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन भेजा है जैन शबीर ने, और ये पूछ रहे हैं कि जो टेक्स का पेपर है उसमें कोड ऑफ एथिक्स भी इस तरीके से अवेलेबल होगा, जिस तरीके से बैरेट्स अवेलेबल होंगे? लेकिन कोड ऑफ इथिक्स हमारा पहले भी ओपन बुक की पॉलिसी में हम डिस्क्लोज नहीं करते थे, तो अभी भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ बेरेट्स अवेलेबल होंगे और बेरेट्स ही उसमें होंगे, ठीक है। ठीक है सर। और एक स्पेल चेक के लिए क्वेश्चन था, वो आपने आंसर दे दिया कि स्पेल चेक अवेलेबल होगा। इसके अलावा अब्दुल्ला ने क्वेश्चन किया है कि क्या SROs, ऑर्डर्स ये भी अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे अवेलेबल? ये बेरेक्स अवेलेबल होंगे, उसके अलावा कोई चीज अवेलेबल नहीं होगी, वैसे भी हम उसको अलाउ नहीं करते, जो चीज अलाउ करते हैं वही चीज अवेलेबल होगी एग्जाम में। ठीक। और ये इसका आंसर मिल गया था कि अगर हम बेयर एट को सेपरेट ब्राउजर में खोलना चाहें तो क्या खोल पाएंगे? तो सेपरेट टैब में खुल जाता है, सेपरेट टैब में खुल जाता है। सेपरेट टैब में खुल जाएगा। सर यूज करने के हवाले से, ऑनलाइन हेल्प के हवाले से एक क्वेश्चन था कि जो ऑनलाइन हेल्प्स अवेलेबल हैं यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाइक चैट GPT वगैरह, क्या वो उसको यूज कर पाएगा या नहीं यूज कर पाएगा? नहीं, वो उसकी इजाजत नहीं। ठीक है सर। इसके अलावा सर एक क्वेश्चन ये भी आया कि जो ऑनलाइन कॉपीज ICAP अलाउ करेगा ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो अगर स्टूडेंट्स उनको पहले यूज करना चाहें और उनको परचेज करना चाहें तो क्या वो उस कॉपी को किसी तरीके से परचेज कर सकते हैं? यूज तो हम कर सकते हैं अपने अकाउंट में जाके, आपने बताया आज नहीं तो परचेज करने से क्या मुराद है उनकी? वो अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज करना चाहते हैं तो वो ऑनलाइन वो आके तो यूज कर लेंगे। उनके पास अवेलेबल है, हर वक्त यूज कर सकते हैं, उनको तो कोई पाबंदी नहीं है। उनके अपने स्क्रीन पे कर लें, कंप्यूटर पे कर लें, लैपटॉप पे कर लें, मोबाइल पे कर लें, कहीं भी कर सकते हैं वो तो उनके पास 24 आवर्स अवेलेबल होंगी। तो मतलब मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया कि वो परचेज क्यों क्यों करना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, जब उनको एक्सेस अवेलेबल है फिर क्या करेंगे? वो असल में प्रैक्टिस करने के लिए वो चाह रहे होंगे, तो लेकिन उनको अवेलेबल है ऑनलाइन तो वो कर लेंगे। वो अवेलेबल अवेलेबल है, प्रैक्टिस के लिए ही रखा है उनके लिए, और वो कल से अवेलेबल हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो कॉन्टेक्ट जो था ना पहले 16 अक्टूबर था, तो अर्ली करना चाह रहे होंगे प्रैक्टिस, लेकिन चूंकि अब तो प्रैक्टिस उनके लिए वो कल से अवेलेबल हो जाएगी, वो कर सकते हैं। तो ठीक सर। और सर एक क्वेश्चन ये भी था कि कौन कौन से पब्लिशर्स के बैरेट्स अवेलेबल होंगे, और खास तौर पे खालिद पेटीवाला साहब के बारे में पूछते थे स्टूडेंट्स। लेकिन जिन्होंने बेरेट्स की हमें कॉपीराइट दिए हैं उसमें, जैसे मैं आपको पता है एस इस्लाम पब्लिशर हमें दे चुका है और वो कल से अवेलेबल हो जाएंगे। और उसके अलावा जो है नंबर टू जो है हमें पैक पब्लिशर अलाउ कर चुका है, वो 16 अक्टूबर से होंगे। तो जिन जिन के होते जाएंगे हम उनका वर्कते चले जाएंगे, बाकी लोगों से भी बातचीत हो रही है, अगर वो इजाजत दे देंगे तो हम उसको रख देंगे, डेफिनेटली रख देंगे। ठीक है सर। यानी कि जिस जिस पब्लिशर के हमें राइट्स मिलते जाएंगे, हम हमसे अंडरस्टैंडिंग करते जाएंगे, वो हम उनको ऑनलाइन रखते चले जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही ठीक। है। हाँ अच्छा सर, स्टूडेंट सर ये भी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि जो प्रेजेंटेशन सर काफ़ी यूजफुल थी, तो ये उनसे शेयर हो सकती है बच्चों से? प्रेजेंटेशन हम ये जो जो सेशन है ये हम स्टूडेंट एरिया में अवेलेबल कर देंगे, तो वो सेशन में वो उसका पढ़ा पढ़ सकते हैं, सब चीज उनको सब मिल जाएंगी, उसमें मौजूद होगी। उसमें जो वीडियो है ये वाली हमारी जो जो हमारा डिस्कशन हुआ है वो पूरा का पूरा उसमें अवेलेबल होगा, तो प्रेजेंटेशन भी उसमें मौजूद होगी, तो तमाम चीज उनको मिल जाएंगी। ठीक सर। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ जो अभी हमें रिसेंटली मिले हैं उनके बारे में, जो हमने पहले नोट किए हुए थे मैंने आपसे शेयर कर दिए, और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। एक सर जो क्वेश्चन है या कमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा है, वो ये कि हार्ड कॉपी अलाउ करें, जो कि आपने एक्सप्लेन कर दिया कि वो इस तरह से अलाउ नहीं होंगी तकरीबन। जी लेकिन इसमें बड़ी अगर हमारे इंपॉर्टेंट जो बात है पास ना, वो देखें हार्ड कॉपीज तो सीफैब में हम जो अब अगले पेपर भी लेकर आ रहे हैं उसमें भी कोई इरादा नहीं है, और इवन MSA पर भी हम का प्लान कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं,
ओवर द पीरियड उसको हम कर देंगे कि वो उसमें भी अवेलेबल ही होंगी, चूंकि इसमें कुछ जो बुक्स वगैरह हैं जो अलाउ की हुई हैं वो अवेलेबल नहीं है, और वो जिसकी वजह से हमने अब इसको फिलहाल अलाउ किया हुआ है, लेकिन बाकी तमाम किताबें जितनी भी हैं जो हमारे स्टडी पैक हैं और उसमें हैं जो हम फ्यूचर में अलाउ भी करेंगे सी फैप में, तो वो उसके दौरान आपको जो फिजिकल हार्ड कॉपी अलाउ नहीं होंगी और आपको सॉफ्ट कॉपी ही से ही अलाउ होंगी। ठीक सर। सर एक क्वेश्चन सर ये आया है कि एक्सेल में जब हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो उसको जब कॉपी करेंगे अपनी आंसर शीट के अंदर तो बाज़ूकात फार्मूला कॉपी नहीं होता एक्सेल के अंदर, तो क्या इसमें ये वैल्यू कॉपी हो जाएगी उसके अंदर जो हमारे आंसर एरिया के अंदर? वैल्यू कॉपी हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ठीक सर। एक्स्ट्रा टाइम जो है वो टोटल 30 मिनट्स है, 15 प्लस 15। जी, 15 प्लस 15 30 मिनट एडिशनल टाइम, राइटिंग टाइम मिल गया इनको। सर एक क्वेश्चन सी आया कि इज इट पॉसिबल टू ओपन पेपर ऑन स्लाइड ऑफ स्क्रीन एंड कोरिजेंडम ऑन अदर साइड ऑफ स्क्रीन, कि जो बेरेट्स हैं वो हम दोनों पैरेलल खोल लें, पॉसिबल होगा सर? हाँ बिल्कुल खोलने, कोई इशू नहीं, लेकिन स्क्रीन एक ही होगी क्योंकि हाँ स्क्रीन एक। आपसे जो तो हमारे पास जो क्वेश्चन आया ना वो ये क्वेश्चन नहीं था, दोनों ओपन करना तो मसला नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हम दो लैपटॉप ले आए हैं या दो स्क्रीन ले आए हैं, दोनों को हम अलग अलग खोल कर काम करें तो वो अलाउ नहीं होगा, बाकी तो एक स्क्रीन में वो दोनों करना चाहे कोई इशू नहीं हो, कर सकते। बिल्कुल ठीक है सर। सर ब्लैंक पेपर और पेंसिल अलाउ होगा फॉर रफ वर्क या नहीं? सॉरी दोबारा बोलेंगे सर, सर ब्लैंक पेज और पेंसिल रफ वर्किंग के लिए साइट पे बच्चा यूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? नहीं उसमें हमने कोई वैसे कुछ ही तरह इसको कोई उतने कंसिडरेशन नहीं दी हुई, लेकिन इसको हम देख लेंगे कि इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, अगर हो सकती है तो हम जरूर कर देंगे। ठीक सर। सर जी एक भाई क्वेश्चन हाँ, सर ये आया नहीं देखते हम नोट कर लें, 1 मिनट नोट कर लें, इसको हम देख लेंगे। ठीक जी सर। जी सर। सर एक क्वेश्चन सर ये आया कि एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया है कि वो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट कर रहा है एंड ही रियलाइज्ड कि मैं ये क्वेश्चन मार्क नहीं करवाना चाहता, इट शुड बी डिलीटेड फ्रॉम माय पेपर, तो उसके लिए उसको क्या करना होगा? कुछ नहीं, कंट्रोल ए करके बस डिलीट कर दे, खत्म खत्म हो जाएगा, तो मतलब अच्छा ठीक है सर। आपस में क्वेश्चन में देखा आंसर हटा दें खत्म हो जाएगा, और वो क्यों मार्क नहीं करवाती, मेहनत करने का मार्क क्यों नहीं करवाना चाहता क्योंकि हमारे यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है कि वो उसको कोई उसको कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा, अगर उसने कर लिया है तो डेफिनेटली रहने दे, और उसके बाद अगर वो चेंज करना चाहता हो दैट इज समथिंग डिफरेंट। बिल्कुल ठीक है सर। एक क्वेश्चन है अबाउट प्रोविंशियल एक्ट्स के हवाले से, तो जी, जो एस ए सलाम की जो पब्लिकेशन है जो कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड एक्ट और है और बाकी जो हमारे प्रोविंशियल एक्ट्स और हैं, तो कौन से एक्ट्स अवेलेबल होंगे ऑनलाइन, ये क्वेश्चन। लेकिन जो बेयर एक्ट हमने किताब और एग्जाम में अलाउ किए हैं वही अवेलेबल होंगे, प्रोविंशियल सेल टैक्स तो हम भी एग्जाम में भी अलाउ नहीं किया, वो करते कि वो लोग लेकर भी नहीं आते ना ही वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ये सवाल जरूर कर रहे हैं तो लेकिन पढ़ते कोई भी नहीं है, ये मैं बहुत अच्छी तरह बता ये बात, तो मैं हमेशा जब मैं बच्चों के साथ सेशन भी करता हूँ टैक्स के रेलिवेंट तो उनको हमेशा ही कहता हूँ कि हम जो सवालात कर रहे होते हैं प्रोविंशियल सेल टैक्स में वो जो बिल्कुल कॉमनली चीजें होती हैं चारों सेल टैक्स जो प्रोविंस में अवेलेबल होती हैं इंक्लूडिंग कैपिटल में, तो वो सवालात हो रहे होते हैं, और बहुत कम होता है कि हमने कोई हमने आज तक कभी इस पर पूरा कंप्लीट सवाल नहीं किया, मैक्सिमम एक से बिल्कुल दो या बहुत हो गया 3 नंबर तक सवालात किए हैं, इससे ज्यादा कभी हमने सवाल भी नहीं किया, तो प्रोविंशियल सेल टैक्स का हमारा बड़ा लिमिटेड हमारा स्कोप है और उससे ज्यादा हम सवालात करते भी नहीं बच्चों से। सर। एक क्वेश्चन सर ये आया जो कि रिलेटेड टू एग्जामिनेशन अरेंजमेंट्स है कि क्या चार्जिंग सॉकेट्स अवेलेबल होंगी वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए हम 3 चीजें वहाँ अवेलेबल करेंगे, लोकेशन हमारी जो स्पेस अवेलेबल करेंगे, नंबर 2 पावर अवेलेबल होगी, और नंबर 3 आपको इंटरनेट की अवेलेबिलिटी, ये तीनों आईकेप की जिम्मेदारी है, लैपटॉप लाना आपकी जिम्मेदारी है, तो ये बेसिकली हमारा जो हाइब्रिड मॉडल है वो चल ही इसी तरह है। ठीक सर।
सर हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन के बारे में था, तो ये इस दफा हम अवेलेबल कर रहे हैं इन पाकिस्तान, इज इट राइट सर? दोबारा बोलेंगे, मैं समझा नहीं आपकी बात। हार्ड कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर सर, जी विल इट जी बी अवेलेबल विद इन पाकिस्तान? जो लोग सेंटर बेस्ड एग्जाम में बैठ रहे हैं उनके लिए हार्ड कॉपी होगी, और जो रिमोट प्रॉक्टरिंग में बैठ रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी से ही एग्जाम देंगे, चाहे वो पाकिस्तान में दे रहे हो या आउटसाइड पाकिस्तान दे रहे हो। ठीक है, आउटसाइड पाकिस्तान में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होगा अगर वो सेंटर बेस्ड होगा तो। हाँ, लेकिन आउटसाइड पाकिस्तान हम सेंटर पे कोई एग्जाम नहीं करवाते। ओके सर, सर क्लियर हो गया सर, थैंक यू सर। सर क्वेश्चन है कि प्रेजेंटेशन ऑफ आंसर विल मैटर इन मार्क्स लाइक बोल्ड लेटर्स, कैपिटल लेटर्स? नहीं, इन चीजों की इतनी कोई हम इसको मार्किंग में कंसीडर नहीं करते। हाँ, आपका टेक्स्ट और चीजें लिखी हुई हो, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए, बट दैट्स इट। इसके अलावा वो कहेंगे बोल्ड करें और लाइनिंग लगाएं और कलर मुख्तलिफ यूज करें, इससे हम जब हम हार्ड कॉपी में एग्जाम लेते थे तब भी हम पहले भी उस वक्त यही लोगों को गाइड करते थे कि इसके नंबर नहीं होते, ना ही इसमें हम जब कंप्यूटर बेस कर रहे हैं तो हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बोल्ड या अंडरलाइन और इन चीजों में टाइम लगाएंगे। सही सर, क्वेश्चन ये आया कि अगर हम अपना इंटरनेट चलाना चाहें फॉर बेटर परफॉर्मेंस तो क्या ला सकते हैं? नहीं, ये अलाउ नहीं है। ठीक है, जो इंटरनेट है वो सेंटर बेस ही जो है वो ला होगा, जी, जो सेंटर अपना बेस में चलाना ही चाहेगा वो ला होगा। नहीं। जी, वो एग्जामिनेशन जो हमारी ही हमारी जिम्मेदारी है और वही यूज करेंगे। अगर वो इनको इंटरनेट इतना अच्छा अवेलेबल है, सब कुछ है, तो वो रिमोट पे एग्जाम दे सकते हैं, उनको एतराज नहीं है। अगर कोई अपना नेट यूज करना चाहे तो वो रिमोट पे दे सकते रिमोट पे दे सकता है, उनके पास इंटरनेट और तमाम फैसिलिटीज अवेलेबल है, रिमोट से दे रहे, कोई इशू नहीं। हैं। सर ये एक क्लेरिफिकेशन के लिए एक स्टूडेंट क्वेश्चन भेजा है कि SROs जो SSLAM में इंक्लूडेड हैं वो अवेलेबल होंगे, लेकिन जो सेपरेट उसके अलावा SROs जो के उसकी पब्लिकेशन के बाद हैं वो अवेलेबल नहीं। जी, डेफिनेटली अवेलेबल नहीं होंगे। वो नॉर्मली 6 महीने वाला जो रूल होता है वो अप्लाई होता है, उसके तहत ही वो किताब बना रहे होते हैं। और वैसे भी हम जो एग्जाम में भी नॉर्मल भी जो अप टू लास्ट अटेम्प्ट देते रहे हैं, तो उसमें अलग से SROs लाने की इजाजत नहीं होती, सिर्फ बेरेट से अलाउ होते हैं लाना, बाकी चीजें इजाजत नहीं होती। सर प्लीज अलाउ मी अ मिनट, मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ साथ साथ जो स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। जी, नहीं, आप पढ़ते हैं कोई मसला? सर क्वेश्चन ये आया कि क्या दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बैरेट्स कल से अवेलेबल हो जाएंगे, टेक्स्ट जी, दोनों के कॉपी अवेलेबल और? हैं। जी, ऐसे सलाम पब्लिकेशन ने दोनों कॉर्पोरेट लॉस और इनकम टैक्स दोनों के अवेलेबल कर दिए हैं, वो कल से अवेलेबल हो जाएंगे। सर क्वेश्चंस आ रहे हैं सर, लेकिन क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो मैं वो स्किप कर रहा हूँ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जी, सर अंडू फंक्शन अवेलेबल होगा, आपने बताया कि होगा जी, कंट्रोल डी के जरिए हो सकता। और उसको रीडू भी कर सकता है उसके पास रोड बाद में। जी, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि वो प्रैक्टिस कर लें। मैंने कहा था प्रेजेंटेशन में कि हमने जितने भी शॉर्टकट्स और जो फंक्शन हैं वो बता दिए हैं, एक थोड़े दिन अगर प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 सब पेपर ही अगर सॉल्व कर लेना इनको, जो हम अवेलेबल कर देंगे, एक अवेलेबल है दो और भी कर देंगे, तो उनके लिए सफिशियंट है और वो लर्न कर लेंगे कि किस तरह उनको एग्जाम में बैठना है, क्या कुछ करना है। जी सर ये काफी दफा क्वेश्चन ये आया रिपीट, तो मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए क्या उनको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है बच्चों को, या जो उन्होंने एग्जाम फॉर्म दिया उसी के थ्रू ही वो प्रैक्टिस मॉक कर पाएंगे? प्रैक्टिस मॉक सिर्फ उन लोगों को अवेलेबल होगा, इजाजत होगी करने की, जो लोग दिसंबर 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन 23 के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे होंगे।
तो हमारे पास जो उनके फॉर्म आ जाएंगे सिर्फ उनको ही अलाउ होगा, बाकी लोग अलाउ नहीं करते। जो लोग टैक्स में रजिस्टर्ड होंगे वो टैक्स का करवाएंगे, जो कॉर्पोरेट लोग का है वो कॉर्पोरेट लोग का करवाएंगे, ठीक है। और जो दोनों में बैठ रहे हैं वो दोनों में इजाजत होगी, बैठ सकेंगे। ठीक है सर, एक मॉक होगा, दो मॉक होंगे, दो मॉक मॉक सेशन, होंगे, कॉर्पोरेट लोग अलग होगा, टैक्स का अलग होगा। और इन दोनों का एक एक मॉक होगा, या इन दोनों दो दो मॉक होंगे, एक नहीं, एक एक मॉक होगा एक मॉक होगा। ठीक है सर, जी। कोड ऑफ एथिक्स पर बात हो चुकी हुई है। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो ना पहले अवेलेबल था ना इसमें अवेलेबल होगा। बिल्कुल जो सेल्स टैक्स एक्ट और एफईडी है जो एस एस सलाम में होगा वो अवेलेबल हो। एग्जैक्टली, ऐसे सलाम है जो भी पब्लिशर हम बाद में भी अलाउ करें उसमें अवेलेबल। और सर ये भी क्वेश्चन था कि क्या मैक्सिमम पब्लिशर्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जितने हम जी, जितने पब्लिशर्स हैं हमने सबसे, जो हमसे हमारे जो नॉलेज में है हमने उन सबसे बात की है, ठीक है। और कुछ मैंने, जैसे मैंने बताया, कुछ इजाजत देते जा रहे हैं, और जो बाकी लोग थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जो हमें वो अपनी राइट से देंगे वो अवेलेबल हो जाएंगे। सर, इन केस अगर लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आ जाता है ड्यूरिंग एग्जाम तो कोई बैकअप के लिए सर कुछ अरेंजमेंट। देखें, हम कोई मतलब बहुत बड़ी दादा तो नहीं होती, लेकिन मैं आपको छोटा सा स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ कि लास्ट सेशन में जब हमने MSA 1 और MSA 2 किया था ना, तो पूरे पाकिस्तान में सिर्फ हमारे पास एक केस आया था इस्लामाबाद में, जिसमें एक बच्चे को जो प्रॉब्लम हुई थी, तो वो उसको हमने बैकअप प्रोवाइड कर दिया था। तो हमने कुछ बैकअप डेफिनेटली रखे होते हैं, ताकि जो लैपटॉप अवेलेबल होते हैं कि इन केस किसी को इशू हो जाए तो हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बच्चे जो लेकर आए थे लैपटॉप, उसमें किसी में कोई इशू नहीं हुआ था। तो वो थोड़ा सा एक डेफिनेटली फेयर एलिमेंट जरूर मौजूद होता है, लेकिन चूंकि इस सॉफ्टवेयर के लिए कोई बहुत हाई फाई किस्म के लैपटॉप या बहुत हाई फाई किस्म की ना मेमोरी ऐसी जरूरत नहीं होती, तो ये बड़ा सिंपल सॉफ्टवेयर है और सिंपल तरीके से यूज हो जाता है, तो इससे इशू नहीं होता। तो होपफुली इनको भी मसला नहीं होगा। और इन केस एक आध दो दो बच्चों या तीन बच्चों कोई प्रॉब्लम होता है, तो हम अगर हमारे पास अवेलेबल हुए तो हम डेफिनेटली इनको सपोर्ट कर रहे होंगे। सही है। तो इसी के साथ एक क्वेश्चन और भी सर था कि क्या आईकैप लैपटॉप प्रोवाइड कर सकता है। तो इसका जवाब ये है सर, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि उसको अपना लैपटॉप लाना होगा, और खुदा ना खास्ता इन केस किसी प्रॉब्लम की सूरत में बैकअप लैपटॉप एक मखसूस तादाद में होंगे जो कि अवेलेबल हो सकते जी हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लैपटॉप तो सबको अपने साथ लाना होगा, ये मॉडल ही इसी तरह चल रहा है, हाइब्रिड मॉडल है। इसमें हमने एक कुछ सर्विसेज अपने पास रख ली हैं और स्टूडेंट के पास सिर्फ लैपटॉप लाना है। उस लैपटॉप के लिए जो कॉन्फ़िगरेशन और रिक्वायरमेंट है वो ऑलरेडी वेब पर डाल चुकी है। इसमें मैं आपको बताऊं, जो बच्ची का एडमिशन जो इस्लामाबाद में था उसका नहीं हो सका था, वो भी इसका लैपटॉप में कोई इशू नहीं था, उसमें सिक्योरिटी इतनी लगी हुई थी कि वो वहां पर वो उसको काम नहीं कर पा रही थी। तो वो हम बच्चों को हमेशा ही कहते हैं कि आपके पास जो सिक्योरिटी वाले इश्यूज है ना, वो उसके लिए हमारे वेब पर गाइडेंस मौजूद है, उसको फॉलो कर लें तो ये मसला नहीं आएगा। सर एक क्वेश्चन सर और आया कि नॉर्मल कैलकुलेटर अलाउ होगा। जी, एक कैलकुलेटर अलाउ होगा, नॉर्मल कैलकुलेटर। जी सर। सर पैक का बेयर एक्ट भी सर इसमें शामिल होगा लिस्ट के अंदर जी, पैक का होपफुली। बेयर एक्ट मैंने ऐसा बताया कि 16 अक्टूबर को अवेलेबल हो जाएगा। उन्होंने जो क्या कहते हैं हमें इजाजत दी दे रही है पैक ने, तो 16 अक्टूबर से अवेलेबल हो जाएगा। जी सर। सर रिहान ने क्वेश्चन किया कि स्प्रेडशीट के अंदर क्या एक्सेल के तमाम फार्मूले अवेलेबल होंगे या लिमिटेड फार्मूले अवेलेबल होंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी वेबसाइट पे जो FAQ के अंदर हमने तमाम लिस्ट बताई हुई है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स अवेलेबल हैं और काम कर सकते हैं, उन शॉर्टकट्स को वो देख लें, वो चीज अवेलेबल है। ये स्प्रेडशीट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है। मैंने उसको भी वही बात कही थी कि कुछ फंक्शंस काम कर रहे हैं। आप जैसे मैं जो जब लास्ट टाइम MSA 1 और MSA 2 के जब हम सेशन कर रहे थे, तो उसमें बड़े इंटरेस्टिंग सवाल ये थे कि जो हमारे कॉलम्स हैं, रॉ हैं, उनकी जो एडजस्टमेंट भी है ना, वो शॉर्टकट कीज के जरिए करना चाह रहे थे, तो वो इस तरह की चीजें अवेलेबल नहीं है। लेकिन जो कॉमनली है, कंट्रोल सी और जो कॉपी पेस्ट आपको अंडू करना, और इस तरह के बहुत से फंक्शन है नॉर्मल जो चलते हैं, वो सबके उसमें अवेलेबल है।
लेकिन हमारे वेबसाइट पे एफएक्यू मौजूद है जिसमें तमाम फंक्शन से शॉर्टकट की लिस्ट मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। ठीक सर। सर ये क्वेश्चन भी है कि लैपटॉप की जो भी रिक्वायरमेंट है सर, वो हमने सर कहाँ पे बच्चों से शेयर की हुई है उसे वेबसाइट? हमारे अगर वेबसाइट पे चले जाए ना कंप्यूटर बेस एग्जामिनेशन वाले सेशन में, तो वहां पर लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और एक डॉक्यूमेंट मौजूद है, वो कंप्लीट डॉक्यूमेंट में डिटेल मिल जाएगी उसको। ठीक सर। अगर कोई इसको इश्यू भी हो रहा हो तो वो examination@ikep.org.pk पे ईमेल कर दे, तो वो उसको लिंक्स और तमाम चीजें शेयर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हम अपना लैपटॉप पहले चेक कैसे कर सकते हैं, तो उसका आंसर आपने बताया कि अगर वो मॉक एग्जाम देगा तो उसमें उसका लैपटॉप भी चेक हो जाएगा, एम आई राइट जी सर? जी बिल्कुल 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 ऐसा ही है। इज देयर एनी लिस्ट ऑफ शॉर्टकट कीज जो वो यूज कर पाएंगे? तो इसका सर जवाब आपने बताया कि वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है। जी, तमाम चीजें सारे जितने भी शॉर्टकट की यूज होती हैं वेबसाइट में मौजूद है, और हमने एफएक्यू में अपडेट किया हुआ है, वहां जाकर देख सकते हैं। सर मार्किंग के लिए सर एक क्वेश्चन आया है अभी, अगर आप उसका आंसर देना चाहें, रेलेवेंट तो नहीं है इस फोरम के ऊपर। सर क्वेश्चन ये कि क्या इन आंसर्स की जो मार्किंग है वो कंप्यूटर से होगी या ट्रेडिशनल तरीके से होगी? देखिए, हमारी जो मार्किंग है वो पहले भी कंप्यूटर से ही हो रही थी। इवन जितनी कॉपीज हमारे पास आती थी वो हमारे पास ई मार्किंग का सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर स्कैन होकर चली जाती थी और फिर हमारी ई मार्किंग के थ्रू ही मार्किंग हो रही थी। तो आप बेसिकली इसमें एक सिर्फ एक प्रोसेस रिड्यूस हो गया है कि हमें स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट आपसे कॉपी मार्क होने के बाद डायरेक्ट एग्जामिनर का अवेलेबल हो जाएगी मार्किंग के लिए। तो मार्किंग तो पहले भी वो कंप्यूटर के जरिए ही हो रही थी और ये भी कंप्यूटर पे ही होगी। सर शायद शोर का इशारा वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ शायद आर्टिफिशियल ज्यादा। ठीक इंटेलिजेंस का मार्किंग अभी दुनिया में अभी इतनी प्रोग्रेस नहीं हुई, इस पर काम हो रहा है, और प्रॉब्ली हम शायद 2 या 3 साल के बाद हम देख रहे हों कि मार्किंग भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिस पे हो जाएगी। इस पर बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हैं और इस पर एक्सपेरिमेंट काफी एडवांस स्टेज पे हैं, तो लेकिन अभी तक भी किसी ने भी ऐसे प्रैक्टिकली अपने एग्जाम्स पे अप्लाई नहीं किया। डेफिनेटली इस वक्त पायलट फेज चल रहे हैं और कुछ इसमें हमें हम उस पर हमारी नजर भी है, और हम पूरी दुनिया में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको देख भी रहे हैं। जो हमारा जो ई मार्किंग प्रोवाइडर है और जो आप जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं एग्जाम के लिए, उसका जो हमारा वेंडर है वो उस पे स्पेसिफिकली काफी लोगों के साथ इंगेज भी है, तो हम बेसिकली इस पर हमारी नजर है। और ये बेसिकली एक जो कंप्यूटर पे एग्जामिनेशन करना, ये एक स्टेप है टूवर्ड्स एआई आल्सो, क्योंकि जब आप कंप्यूटर बेस्ड करेंगे तभी ही आप एआई बेस्ड कर सकते हैं, अदरवाइज मुमकिन नहीं है। तो जो जिस तरह के जरिए हम डेटा एनालिसिस के टूल्स भी एग्जामिन कर सकेंगे, उसमें शामिल हो सकेगा, इसी तरह एआई बेस्ड मार्किंग भी पॉसिबल होगी। जी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सर वुड देयर बी एनी चेंज इन एग्जाम पैटर्न ड्यू टू दी सीबी एग्जाम, या एग्जाम पैटर्न कंसिस्टेंटली चला आ रहा है वही रहेगा लॉ का भी और टैक्स का भी? जी, इसमें कोई पैटर्न में चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं, एग्जाम पैटर्न वही रहेगा। सर मैं क्वेश्चंस पढ़ रहा हूँ सर, प्लीज जी एक जी मिनट लॉक कीजिएगा। जी हार्ड पेपर के लिए हम गाइड कर चुके हैं कि सेंटर बेस पे होगा अवेलेबल और प्रॉक्टरिंग में नहीं होगा। देखिए, मैं ऑब्वियसली बात है ना, कॉमन सेंस की बात है कि दुनिया में पता नहीं कहाँ कहाँ एग्जाम दे रहे हैं, उसको पेपर वहां अवेलेबल करना प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल ना, तो इस वजह से वहां अवेलेबल नहीं किया जाता। डेफिनेटली कंप्यूटर बेस की वजह से हमको एक एक जो फैसिलिटी मिल गई है कि वो दुनिया में कहीं भी एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह फिजिकल पेपर अरेंज करना इस डेफिनेटली नॉट पॉसिबल। तो जो सेंट्रल बेस में है उनको हम, जैसे उसको भी मैंने कहा कि इनिशियली हम अवेलेबल कर रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड ये भी हम इसको डिसकंटिन्यू करेंगे, लेकिन दिसंबर 2023 के एग्जाम के लिए अवेलेबल है। सही।
सर एक क्वेश्चन आया कि क्वेश्चन नंबर वन अगर मैंने मुकम्मल कर लिया और अब मैं क्वेश्चन नंबर टू का आंसर करना चाहता है स्टूडेंट, तो उसको क्या करना होगा? आपने ऊपर जो आप उसको देखेंगे टैब आ रहा होता है नेक्स्ट का, नेक्स्ट को क्लिक करना है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, आंसर दे देंगे नेक्स्ट का, और फिर आपको आंसर एरिया आ जाएगा, क्वेश्चन भी नेक्स्ट आ जाएगा, फिर जवाब दे दें। सही। सेपरेट कीबोर्ड और माउस की बात हो रही है सर, ये इसका आपने जवाब दिया था कि ये सेपरेट कीबोर्ड और माउस ला सकते हैं। जी, कंट्रोल एफ का जो फंक्शन है सर्चिंग का, वो अवेलेबल होगा सर? हमने जो प्रेजेंटेशन दी थी उसमें बताया था कि जब हम उसके अंदर सर्च कर रहे होंगे जो बेरेक्स हैं, तो कंट्रोल एफ की बजाय नीचे एक जो सर्च का बटन होगा उसको क्लिक करेंगे और उसके अंदर सर्च कर सकेंगे, तो वो बेहतर सर्च प्रोवाइड करेगा, कंट्रोल एफ से काम नहीं होगा। ठीक है, तो वो उसको प्रैक्टिस कर लें, एक बार वो देख लेंगे तो हमको भी आसान हो जाएगा। जब हम वीडियो अवेलेबल करेंगे तो उसमें काशी वाली डेमोन्स्ट्रेशन वो दोबारा देख लें, तो उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरह सर्च करनी है। बिल्कुल ठीक सर। क्या टैबलेट्स अलाउ होंगी लैपटॉप की जगह? टैबलेट्स में उसमें जो उसकी जो स्पेसिफिकेशन हमेशा प्रॉब्लम रहती है जो लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि जो टैब लेकर आ जाते हैं उसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते, या कोई एडवांस लेवल के टैब तो हो सकता है उसे काम कर जाए, तो इसलिए हम रिकमेंड नहीं करते कि कोई टैब लेकर आए। अनफॉर्चुनेट अनफॉर्चुनेट कोई इशू आ सकते हैं, और फिर उनको जो इशू होगा तो एग्जाम में अगर वो नहीं कर सके तो फिर हम उसको सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। सर इन केस रिमोट प्रॉक्टिकल एग्जाम के दौरान अगर खुदा ना खास्ता लैपटॉप शट डाउन हो जाए या डिस्कनेक्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या सपोर्ट टीम अवेलेबल होती है फौरन? जी, हमारी पूरी टीम में जो रिमोट वर्कर्स होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं, और चलिए कोई हेल्प होती है तो कर देते हैं, लेकिन अगर अगर आप लैपटॉप शटडाउन हो जाता है, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेती है, और उसका पूरा रूल्स रेगुलेशन हमारे वेबसाइट बताया हुआ है कि कितनी दफा अलाउ है, कितने दिन का ड्यूरेशन है, आपसे कॉन्टेक्ट किस तरह करना है, वो सब चीजें FAQ भी मौजूद है, हमारी वेबसाइट पे भी मौजूद है उसके बारे में। क्योंकि रिमोट प्रॉक्टरिंग तो एग्जाम होते हुए 4 साल हो चुके हैं ना, अब तो वो 4 साल में उसको काफी रिफाइन हो गया है, जो लोग एग्जाम कर रहे हैं उनको आइडिया है कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। बिल्कुल ठीक है सर। सर जो टच लैपटॉप्स हैं क्या वो भी अलाउ होंगे, टच जी वो स्क्रीन अलावा लैपटॉप्स? जी, वो उसमें कोई इशू नहीं, वो कर सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। सर कुछ अप्रिसिएशन आ रही है कि थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन स्टूडेंट्स की तरफ से। चलें जी। सर एक सर स्टूडेंट ने ये कहा है कि जो उनको ऑनलाइन कॉपी बेरेट्स की अवेलेबल होगी फॉर प्रैक्टिस सेशन, क्या जी, वो उसको हाईलाइट कर सकते हैं और क्या वो उसको सेव कर सकते हैं कि वो एग्जाम में जब उसको नजर आए तो उसको उस वक्त दोबारा हाईलाइट ना करनी पड़े वो चीजें? तो आई थिंक सो ये शायद पॉसिबल है। हाईलाइट तो अलाउ नहीं है, हाईलाइट नहीं कर सकते। सर अब तक के सर तमाम क्वेश्चन सर हम ले चुके हुए हैं, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन रहता है तो वो अभी टाइप कर दे सर, अवेलेबल है, उसका आंसर मिल जाएगा उसको। प्लीज टेल अस अबाउट फ्यूचर प्लान्स फॉर अदर पेपर्स टू बी शिफ्टेड ऑन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स। जून 2024 में हम जो बाकी पेपर्स हैं, हमारा प्लान ये है टेंटेटिवली कि हम उसको उससे मूव कर जाएंगे, जो कैप के जो 4 पेपर रह जाएंगे तो वो उसमें हम सी फैप के पेपर उस पर लेकर आ जाएंगे, तो हम सी फैप और MSA हमारा फुली कंप्यूटर बेस्ड होगा जून 2024 में इंशाल्लाह। जो
कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन आंसर नहीं हुआ, आंसर कर दें, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना क्वेश्चन दोबारा टाइप कर दें। ये एसआरओ के लिए जो क्वेश्चन था इसका जवाब मिल चुका हुआ है कि जो एसआरओ जो हैं वो पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हैं, वो अवेलेबल होंगे, और उसके बाद की जो अगर कोई एसआरओ आए हैं तो वो पहले भी अवेलेबल नहीं होते थे, अभी भी अवेलेबल नहीं होते, समय राइट सर? जी जी बिल्कुल, जो सब उसके साथ बेरेट जो पब्लिशर्स की बुक्स हैं जो बेरेट थी उसमें अगर अवेलेबल हैं तो वो अलाउड है और बाकी अलाउ नहीं है, और वही मौजूद होंगे उसमें वेब पे। इन एडिशन टू मॉक एग्जाम विल देयर बी एनी अदर डेमो सेशन? तो एक सेशन तो हमने आज किया स्टूडेंट्स, और फिर इसके मॉक अलावा इलेक्वल प्रैक्टिस टेस्ट होंगे। अवेलेबल है ना, ऐसा नया प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, इससे बेहतरीन डेमोन्स्ट्रेशन कोई है ही नहीं। और इसके अलावा एक डेमो गाइडेंस वीडियो मौजूद है वेब पे, अगर वो देख लें तो उनको सॉफ्टवेयर किस तरह रन करता है एक बार उसको देखें, इसके बाद वो प्रैक्टिस टेस्ट करें, सफिशेंट है। आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, इससे ज्यादा कोई उनको जरूरत भी नहीं नॉलेज की, बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। वैसे यानी सर एक वीडियो अवेलेबल है, एक प्रैक्टिस टेस्ट अवेलेबल है, और डॉक्यूमेंट्स ही मौजूद हैं सबके, स्क्रीन बाय स्क्रीन डॉक्यूमेंट्स ही बनाए हुए हैं, और अगर देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। लेकिन एक बार वो डेमो सॉफ्टवेयर देख लें और इसके बाद 2 या 3 प्रैक्टिस टेस्ट कर लें तो बहुत सफिशियंट है उनके लिए नॉलेज करना। तो वो आई बिलीव कि ये जो चूंकि उन्होंने अभी उन्होंने किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया, जिन्होंने नहीं किया इसलिए वो फेयर फील कर रहे हैं, अदरवाइज इज अ वेरी सिंपल वन। एक स्टूडेंट सर पाकिस्तान से बाहर से कनेक्टेड थे, और जी वो ये कह रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम तो सर मैंने देना है पाकिस्तान से बाहर, लेकिन क्या मैं मॉक देने के लिए पाकिस्तान आ सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, जो जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल होंगे और मॉक देना चाहते हैं बिल्कुल दे सकते हैं। उन्होंने अगर कॉर्पोरेट लॉ के लिए अपने आपको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है या टैक्सेशन के लिए करवाया हुआ है तो मॉक एग्जाम में बैठ सकते हैं, बिल्कुल बैठ सकते हैं। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू सर। और वी हैव ऑलमोस्ट रीच्ड टू द कंक्लूजन ऑफ दिस सेशन। अच्छा एक क्वेश्चन है कि कैन वी ओपन बी एक्ट इन मोर देन वन विंडोज ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन? आप मुख्तलिफ टैब्स में खोलते हैं, जैसे हमने कहा था टैब्स, आप जितने टैब्स खोल लें कोई मसला नहीं है। मुख्तलिफ टैब में वो एक ही वक्त में कई बी एक्ट खोल सकता देखिए हूँ। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, बेसिकली होता है कि अगर एक क्वेश्चन में कंपनी एक्ट और क्या कहते हैं सब्सटेंशियल एक्विजिशन दोनों का फॉर एग्जाम्पल इन्वॉल्वमेंट है, तो आपने दोनों टैब में एक में कंपनी एक्ट खोल लिया, एक में सब्सटेंशियल एक्विजिशन खोल लिया, तो आपको वो देखने करने में आसानी हो जाती है, तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बिल्कुल रिमोट प्रॉक्टिंग में भी सर सॉफ्ट कभी अवेलेबल होगी वेरेक्स की? रिमोट प्रॉक्टरिंग में भी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल होगी, बिल्कुल सेम जो जी फिजिकल जी वालों की एग्जैक्टली होंगे। सेम सेम होगी, बिल्कुल सेम अवेलेबल। जैसा अभी मैं क्वेश्चन देख रहा था, एक बच्चे ने लिखा था कि क्या हम शॉर्टकट वर्ड यूज कर सकते हैं, बिकॉज की जगह बी सी और बी स्लाइड सी कर दें, ऐसा कर दें। देखिए इस तरह के वर्ड लिखने में हमारी तरफ तो कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर ये फेमिलियर हैं, लोग अंडरस्टैंड करते हैं, कॉमनली वर्ड यूज हैं तो इट्स फेयर इनफ का आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर ये कॉमन नहीं है, अगर उसको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो डेफिनेटली इसका आपको नुकसान होगा। तो प्रॉपर तरीका है कि आप तो पूरा लिखें, लेकिन कुछ वर्ड अगर लिख सकते हैं तो शॉर्टकट से अगर लोगों की समझ में आ सकता है तो वो ठीक है, वो भी कर सकते हैं। सर ये क्वेश्चन आया कि क्या एमसीक्यूज की तादाद इन पेपर्स के अंदर बढ़ाई जा रही है या पैटर्न सेम पैटर्न फॉलो होगा सर? फाइनल लेवल पर हमारे एमसीक्यू होते ही नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमारे होते हैं वो केस स्टडी स्टाइल होते हैं और केस स्टडी सेल में ही एग्जामिन होते हैं। सर तकरीबन हमने तमाम क्वेश्चन सर एड्रेस कर लिए, और अगर कोई और स्टूडेंट किसी का कोई क्वेश्चन रहता है तो वो हमें ईमेल कर सकते हैं एग्जामिनेशंस एट आई कैप के ऊपर। ठीक है,
जी, हम जिनको भी अगर कोई अदर क्वेरीज हैं, इवन हम यहाँ जो इतने क्वेश्चंस हुए हैं तो हम कोशिश करेंगे जो हमारे एफएक्यू में अवेलेबल नहीं है तो उनको भी एफएक्यू में अवेलेबल कर देंगे, लेकिन अगर किसी को इसके अलावा भी क्वेश्चंस हैं तो डेफिनेटली वो हमसे हमारे एग्जामिनेशन एट icap.org.pk पे कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। वी होप डियर स्टूडेंट्स, वी आर अबाउट टू कंक्लूड टूडे सेशन। वी होप यू फाउंड दिस सेशन इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल। ऑन बिहाफ ऑफ आईकैप स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई हार्ट फेल्ट ग्रेटिट्यूड टू सर इरफान गाजियानी एंड मिस्टर काशिफ मलिक फॉर देयर एक्सपर्टाइज एंड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टूडे। थैंक यू वंस अगेन ऑल फॉर ज्वाइनिंग अस। On behalf of ICAP, I wish you all the best for your upcoming exams. You can ask your queries on examinations at icap.org.pk. See you in any other event of ICAP. Till then, take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you very much, everyone. Thanks. Allah Hafiz.